Subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. खुशी की बात है कि हमारे बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। पिछले पूरे एक साल में हमने सिर्फ 3 लाख रुपया कमाया था, लेकिन इस साल में सिर्फ 6 महीने में हमने 30 लाख रुपया कमाया। और अगर आप लोग इसी ईमानदारी से, दयानतदारी से, लगन और मेहनत से काम करते रहे तो मैनेजिंग डायरेक्टर होने की हैसियत से मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस साल में हम 60-70 लाख रुपया कमाएंगे। पागल हो गई, हाथ में आई लक्ष्मी को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। मुझ पर दया करो सेठ, मेरी बच्ची बीमार है, मुझे घर जाने दो। घर? अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जानती हो एक बार जो यहाँ आ जाता है फिर जिंदगी भर अपने घर जाने का नाम नहीं लेता। और फिर एक बार हमारे साथ रहकर तो देखो, तुम भी इन्हीं लड़कियों की तरह से हमारे गुण गाओगी। नहीं सही,
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। ये गरीब औरत की इज्जत से खेलकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें दिलचस्पी तुम्हारी इज्जत से नहीं है, तुम्हारी जवानी से। नहीं मान जाओ, बॉस ठीक कहते हैं। इतने निर्दयी न बनो सेठ, तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी, तुम्हारी माँ बहन पत्नी बेटे सब होंगे। मैं तुम्हें उनकी सौगंध देकर कहती हूँ, मुझ पर रहम खाओ सेठ, रहम। ओ, अगर तुम पर रहम न खाते तो तुम्हें यहाँ बुलाते क्यों? हमारे बिजनेस का पहला उसूल है, मिल के कमाओ और मिल के खाओ। मुरली ले जाओ इन्हें, और सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में इनका भी अकाउंट खोल दो। ओके बॉस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? छोड़ दो, छोड़, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लक्ष्मी तुम और यहाँ? हाँ, मैं रानी के लिए दवा लेने गई, घर पहुँचने की जल्दी थी इसलिए रिक्शा में बैठ गई। इतने में आदमी आया और ये कहकर कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे मोटर में बिठाकर यहाँ ले आए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये क्या, आप वहां मत जाइए। बॉस, बॉस। क्या बात है चंद्र? क्या मेरे इतने बरसों की वफादारी और ईमानदारी का यही बदला दिया? ना मतलब, आज तक मैं जी जान से आपकी सेवा करता रहा, दिन रात में अपना खून पसीना बहाकर आपकी खुशियों के लिए अपनी आत्मा की आवाज को दबाता रहा। ना जाने मेरे कारण कितने पवित्र और निर्दोष लड़कियां आपके लोभ और वासना की चौखट पर भेंट हो गईं। आपके लिए मैंने हजारों घरों के सुख और चैन को आग लगा दी। इसी की तो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, वरना तुम हो क्या, एक मामूली रिक्शे वाले। और अगर ये सब न करते तो ये ठाट कहां से होता? मुझे मालूम है, इसी ठाट बाट के लालच ने मेरी इज्जत में आग लगा दी। जरा सोचिए तो, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे की माँ है, इसे यहां कौन लाया, क्यों लाया? बेवकूफ, तू ठहरा एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाला। तेरी बीवी को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए। चंदर, तू मेरा ईमानदार और वफादार साथी है, इसलिए मैंने लक्ष्मी को यहां बुलवाया और बुलवाकर उस पर एहसान किया, और मेरे एहसानों को बदला चुकाने के बदले ये। बॉस। यस आई सी। ओ योर अ डार्लिंग, योर अ डार्लिंग। चंदर बोल, तुझे लक्ष्मी के लिए क्या चाहिए? 500, 1000, 2000? औरत की इज्जत को रुपए और पैसे की तराजू में तुम जैसे धनवान ही तोड़ सकते हैं। हम गरीब अपनी जान देकर भी उसकी कीमत चुका नहीं सकते। आज तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन आज आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। छोड़ दो इस बेवकूफ को, चले जाओ चंदर यहां से, जाओ। दूहा शेर को ललकार रहा है। मत रो, मत रो, तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। मत रो, मत रो, कहाँ गया बाप तेरा पता नहीं। अरे अरे चंद्र भैया, चंद्र भैया, हमारी बेटी रो रही है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आ बेटी, चंद्र भैया। रुको रुको, चंद्र का खून हो गया है? वो देखो उन्होंने गोली मार दी। चलो चलो, किसने मारा है इसे? वो देखो वो गाड़ी में जा रहे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ए भाई जरा देख के चलो। यू इडियट, बाप की सड़क पर चला रहा है क्या? बाप की सड़क पे तो आप चल रहे हैं सरकार। ब्लडी फूल, हट जा सामने से। ए, आपकी गाली दिया तो थोड़ा पिचका के रख दूंगा। एक तो गाड़ी चलाते हुए अम्मा जी की आंखें छोड़ाते हैं और हमें गालियां। आगे मोटर चलाओ तो आंखें साथ लाना, समझे? गोपी भैया, देखो गोपी भैया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे जाने मत दो, इसे जाने मत दो। अरे इसने अपने चंदर का खून किया। देखा गोपी भैया, दिन दहाड़े कैसा जुल्म हो रहा है। जिसने इसका खून किया है हम उसकी बोटी बोटी कर देंगे, उसे इसी तरह जला देंगे। नहीं जुम्मन, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे?
हम अदालत में जाएंगे और अदालत में जाकर इस बच्ची के बाप के खून का इंसाफ मांगेंगे। दिन दहाड़े चंदर का खून करने वाले मुलजिम मदन की जमानत पर रिहाई। रिक्शा वाले चंदर के खून का मुकदमा सेशन कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने मुलजिम मदन को जमानत पर छोड़ दिया। मुलजिम की तरफ से शहर के मशहूर और मारूफ क्रिमिनल लॉयर मिस्टर कैलाश मुकदमे की पैरवी करेंगे। ये वकील साहब है जी? मैं वकील साहब से बड़ा हूं, छोटो मोटो के बारे में बातचीत नहीं करता। अंदर जाकर पूछो। चले आते हैं जैसे मैं कुछ दरबान हूं। राम राम हरे राम राम राम। जी वकील साहब है जी? हाँ है, आप तशरीफ रखिए जी। गुड मॉर्निंग रीटा डार्लिंग। मिस्टर जूनियर, आज का अखबार आपने पढ़ा? सारे शहर में मेरे केस का चर्चा हो रहा है। लोग बहनों की तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि वो केस जीत के ही रहे। क्यों नहीं जरूर जीतेंगे। तुम यहाँ क्यों आए? वकील साहब से ये कहना है कि वो एक खूनी की मदद ना करे। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। अजी साहब, हमदर्दी तो एक इंसान कर सकता है, तुम जैसा शैतान नहीं। एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले की इतनी हिम्मत? मेहनत मजदूरी से कमाने वाले में हमेशा हिम्मत होती है साहब, ये हराम के टुकड़े खाने वाले बुजुर्ग होते हैं। ठीक है ना? मैं बदतमीजी का जवाब जबान से नहीं पिस्तौल से देता हूँ। और मैं सच्चाई और इंसाफ के लिए पिस्तौल तो क्या, तोप के मुंह में भी सिर दे सकता हूँ। तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे जबान खींचने वाले। अगर तुम इतना ही बहादुर होते तो बेचारे चंदन का खून कर कैसे चोरों जैसे भाग नहीं जाते। तुम्हें जान से मार दे। अरे अनिल, छोड़ दे। ये क्या हाथापाई लगा रखी है? कौन है तुम? जी मैं गोपी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? आपसे विनती करने के लिए कि खूनी का मुकदमा आप अपने हाथों में ना लें। तुम रिक्शा ही नहीं जबान भी खूब चला लेते हो। सच्चाई और इंसाफ के लिए जबान चलानी ही चाहिए। वकील साहब, इस मासूम को देखिए, इसे इस बेरहम खूनी ने अनाथ बना दिया। अच्छा, तो यूं कहो कि तुम इस बच्ची को दिखाकर 150 रुपया हथियाने आए हो। वो तो तुम्हारी आदत है, मैं भिखारी नहीं जो भीख मांगने आऊं। मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं वकील साहब कि खूनी किसी भी हालत में नहीं बच सकता। ये तुम किससे कहने आए हो? आपसे वकील साहब। मैं जानता हूं आप बहुत बड़े वकील हैं, हो सकता है आप ये मुकदमा जीत भी जाए, लेकिन एक इंसान के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इंसाफ के बीच में ना रहे। एक मुजरिम को उसकी जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे कानून सिखाने आए हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। सच और झूठ को समझने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। सुना नहीं, चले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बच्चे की सौगंध में उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं तुझे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा दूं। गेट आउट। मदन के केस के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्गुमेंट्स क्या हैं? जी अभी बताता हूं। ये बात बगैर किसी शक के साबित हो चुकी है कि यह कत्ल कातिल मदन और मकतूल चंदर की पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, और कई चश्मदीद गवाहों के बयानात से यह बात भी साबित हो चुकी है कि मुलजिम मदन कत्ल के वक्त मकतूल चंदर का पीछा कर रहा था और उसने दिन दहाड़े निहत्ते चंदर पर गोली चलाई। योर ऑनर, ये आदमी जो इस कटरे में खड़ा है ये खूनी है। इसने दिन दहाड़े निहत्ते चंदर पर गोली चलाकर उसका खून किया है। इस आदमी ने हजारों आदमियों के बीच चंदर को एक कुत्ते की मौत मारा। इसलिए माय लॉर्ड, इस मुल्जम को इस हैवानी जुर्म की सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि आईपीसी 302 के तहत फांसी है। योर ऑनर, मेरे फाजल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे मुअक्कल मदन के खिलाफ इसी किस्म की पुरानी दलीलें पेश की हैं जिनका मैं जवाब तक भी देना नहीं चाहता। बट एट द सेम टाइम योर ऑनर, मैं ये साबित कर दूंगा कि यह मुकदमा मेरे मुअक्कल मदन के खिलाफ पुरानी दुश्मनी और झूठी बुनियादों पर बना है। मेरा मतलब है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस बात के गवाह तो पेश कर दिए गए कि मदन ने गोली चलाई, माना, लेकिन क्या कोई ऐसा भी गवाह पेश किया गया है
जिसने ये कहा हो कि मदन की गोली से जो आदमी मरा वो चंदर ही था, और अगर कोई ऐसी गवाही पेश नहीं की गई तो मुझे कहने दीजिए योर ऑनर कि जिस आदमी का खून हुआ वो चंदर नहीं था। योर ऑनर, अगर ये मुकदमा या अगर योर ऑनर मुझे कहने की इजाजत दें तो ये बच्चों की कहानी जो मदन के पिस्तौल से शुरू होकर चंदर की मौत पर खत्म हुई इस कोर्ट के सुनने के लायक नहीं। ताज्जुब की बात तो यह है योर ऑनर कि मेरे अजीज दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस मोटी सी बात को कैसे भूल गए कि किसी भी जली हुई लाश को जिसकी के सूरत तक नहीं पहचानी गई चंदर का शरीर बताकर मेरे मोक्कल मदन को फांसी के तख्ते पर क्यों कर चढ़ा सकते। माय लॉर्ड, मुझे विश्वास है कि चंदर मरा नहीं जिंदा है। क्या इस सच्चाई को मानने से किसी को इनकार हो सकता है? मेरा यकीन है कि चंदर किसी भी लम्हे यहां आ सकता है या आ ही गया है। माय लॉर्ड, अगर चंदर एक दिन कानून का मजाक उड़ाता हुआ अदालत में आ गया तो क्या अदालत मेरे मुवक्कल मदन को दोबारा जिंदगी दे सकेगी, या मदन के यतीम बच्चों को उनका बाप दे सकेगी, या मदन की बेवा औरत को उसका पति दे सकेगी? That's all, my lord. मुकदमे के तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 13 फरवरी को दिन के 12:30 बजे नगर चौक में गोली चलाने वाला मुलजिम मदन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस गोली से चंदर नाम के एक इंसान की जान गई, जब वो जली हुई लाश जो पुलिस को मिली वो चंदर ही की थी, ये बात पूरे तौर पर साबित नहीं हो सकी। इसलिए अदालत मुलजिम मदन को IPC सेक्शन 306 सेकंड डिवीजन के तहत शक का फायदा देते हुए यानी बेनिफिट ऑफ द डाउट चंदर का खून करने के इल्जाम से बरी करती है। लो, अब तूने रोना शुरू कर दिया है? अरे हंसो मेरी रानी बिटिया, जिंदगी नाम है मुस्कुराने का। ये दुनिया वाले हैं ना, सिर्फ हंसने वाले का साथ देते हैं और रोने वालों को अकेला छोड़ देते हैं। तो नहीं समझेगी। अरे ये बात तो पढ़े लिखे नहीं समझते हैं, फिर तो तूने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। मामा क्यों जोर कर रहे हो? कई तरह की हंसी होती है, हंस के भी दुनिया रोती है। समझी ना ए गुल्लू गुल्लू गुल्लू। कई तरह की हंसी होती है, हंस के भी दुनिया रोती है। कई तरह की हंसी होती है, हंस के भी दुनिया रोती है। ए बड़ी मतवारी है, सबसे न्यारी है मुन्नी, तेरी हंसी बड़ी प्यारी है। कई तरह की हंसी होती है, हंस के भी दुनिया रोती है। ए बड़ी मतवारी है, सबसे न्यारी है मुन्नी, तेरी हंसी बड़ी प्यारी है। कई तरह की हंसी होती है। अरे वाह रे मुन्नी। Thank you.
की समझी, ऐसी हंसी तो है बेईमानों की, ऐसी हंसी तो है इंसानों की, ऐसी हंसी तो है बेईमानों की। ओ एक है शबनम एक चिंगारी है, एक है शबनम एक चिंगारी है, मुन्नी तेरी हंसी बड़ी प्यारी है। कई तरह की हंसी होती है, अरे वाह रे मुनिया। सुख छीना है, दुख में भी हंस के ही जीना है, दुनिया ने तेरा सुख छीना है, दुख में भी हंस के ही जीना है। ए, कोई है राजा कोई भिखारी है, कोई है राजा कोई भिखारी है, मुन्नी तेरी हंसी बड़ी प्यारी है। कई तरह की हंसी होती है, हंस के भी दुनिया रोती है। हे हे बड़ी मतवारी है, सबसे न्यारी है, मुन्नी तेरी हंसी बड़ी प्यारी है। ला 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 इस बच्ची को आप अपने हॉस्टल में रख लीजिए। इसकी पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। मैं आपका आभारी हूँ। जी इसमें आभारी होने की क्या बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है। जी कृपा। अरे सलोनी आ गई तू? आ गई। अरे तुझे देखते ही उतरते उतरते फिर चढ़ जाता है मेरा नशा। कबीरा ऐसी बातें क्यों करता है रे? अरे मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरा प्यार करता है। क्या? अरे मैं छोकरा छोकरी के चालू प्यार की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो मुझे अपने पेट से और तेरे खाने से है। जरा देख मेरा पेट भूख के मारे दादी माँ के दालों की तरह पिचक गया है ऐसे। ठहर ना। तो देना। देती ना। ले पकड़। पकड़ा। और दू? दे दे जी भर के दे। मगर तू तो रोज उस कलमुई पार्वती से खाता है। अरे पार्वती को मार गोली, जैसे वो फीकी वैसे उसका खाना फीका। मुझे तो तीखी नमकीन चीज पसंद है जो तेरे में, मेरा मतलब है तेरे खाने में मिलती है। यहाँ एक तू ही तो है जिसको मेरा खाना पसंद है। अरे सलोनी तू प्यार से देती जा और मैं प्यार से खाता जाऊं। अरे बदकिस्मत हो, इधर मरो जल्दी करो, जरा इसका रंग रूप देखो, इधर खाओ और उधर हजम। क्या बात है, आज तो सलोनी इसको अकेले तीखा और नमकीन खिला रही है। अरे ऐसा खाता रहा तो एक दिन रस्सी पे सूखा लटक रहा होगा। व्हाट? सलाम पार्वती बहन। सलाम भैया। सलाम। राम राम पार्वती बहन। नमस्ते पार्वती बहन जी। नमस्ते। नमस्ते पार्वती जी। नमस्ते। देखा उसके आते ही सब वहाँ चले गए। अरे जाने दे, बासी कड़ी वो वाल आ रहा है। देखा कैसे दीदी मटका मटका के मुझे देख रही है। अरे मटकाने जरा तेरे को, क्या तू अपने मटके का ख्याल रख। कबूतरी जबान संभाल के बात कर, बहन के खिलाफ कुछ बोला तो जबड़ा के तोड़ दूंगा समझे। अब किसको बोलता है काना कबूतर? कबूतरी मेरे कारण क्यों झगड़ रहे हो? अरे कबीरे मैं ये सारा खाना किसके लिए लाती हूँ? तुम्हें लोगों के लिए लाती हूँ ना। अगर तुम लोग मेरा खाना नहीं खाओगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा। अरे नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था ना मेरा पिछला सारा हिसाब चुका दोगे, मेरे पैसे तो दे दो। पैसे? कैसे पैसे? क्या तू नहीं जानती यहाँ पर कबीरा का राज चलता है? एक तो बगैर लाइसेंस के हमारे स्टैंड पर रोटी बेचती है, ऊपर से धांधली करती है। भिंडी के अरे सबान सबान।
हमारा धार भी तो तू कर रहा है रे। अरे गोपी भैया तुम कब आए? क्यों? कुछ नहीं भैया, मैं तो पैसे दे रहा था, आज के भी और कल के भी। लो माजी अपना हिसाब चुकता। भैया गरीबों के पैसे मार के मुझे कौन सा महल खड़ा करना है? बड़ी जल्दी बात बता दिया कबीरे, ये क्या बकवास कर रहा था? अरे भैया मेरे मुंह में तो सवारी नहीं है। गोपी भैया इस शराबी की वजह से हम रिक्शा वालों की बड़ी बदनामी हो रही है, इस अड्डे पे कोई सवारी नहीं आती, मैं कहता हूँ उसे निकाल दो यहाँ से। नहीं जमन, हमें इसे निकालने की नहीं समझाने की जरूरत है, हमारी बिरादरी का है ना। आप ठीक कहते भैया, मैं आज से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। आया सेठ जी, भैया मेरा भाड़ा आया भाई। और बात बदल गया, सबने पिछला हिसाब चुका दिया मां? हाँ बेटे, तेरे होते हुए अन्याय थोड़े ही हो सकता है। अच्छा जमा जल्दी से कुछ खाना दे, बड़ी भूख लगी। अरे पहले थाली तो ले आ, अरे जा ना भूख लगी होगी तुझे। पार्वती बहन मैं तो रह गया। अरे कौन सा भैया? जुम्मन भैया। जुम्मन भैया। अरे गोपी आजा, बहुत भूख लगी होगी ना। अरे गोपी आज मैंने तेरे लिए आलू मटर भी बनाए हैं। जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे। जना सबर नहीं तुझे, ये ले। ओहो, एक, ये ले। माँ जी, बहुत दिनों से एक बात पूछने को जी चाहता है, पूछू? मैं जानती हूँ, तू यही पूछना चाहता है ना मुझसे कि मेरी मांग में सिंदूर है, माथे पर तिलक है, तो मेरा पति कहाँ है, और मैं ये खाना बेचकर जिंदगी क्यों गुजार रही हूँ? हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है। अरे दूसरे तुम पे उंगली उठाने को पूछते होंगे माँ, मैं तो अपनी उलझन सुलझाने को पूछता हूँ। मेरे लिए ये तो जीवन भर की उलझन है बेटे। घर की दीवारें काली हो जाए तो उसे चूना लगाकर फिर से सफेद किया जा सकता है, लेकिन अंधेरे को कौन मिटा सकता है? अंधेरे को भी सूरज का उजाला मिटा सकता है माँ, मुझे बता तो सही की बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अगर दो इंसान एक दूसरे का दुख बांट लें तो तकलीफ कम हो जाती है, ठीक है ना माँ? ये तू कह रहा है बेटे, मैं औरत हूं जो जन्म ही लेती है दुख और तकलीफों को सहने के लिए। मैंने जिंदगी में इतनी तकलीफें सही हैं कि अब तो मुझे तकलीफों में मजा आने लगा है। जानता है बेटा, लोग जिंदा रहने के लिए सुख ढूंढते हैं और मैं दुख। अगर मेरा दुख सुख में बदल जाए तो शायद मेरे जीने का बहाना ही मिल जाए। तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मुझे मेरे हाल पे छोड़।
को सिखाऊं, अरे रूम अपना लुटाऊं। प्यारी महिलाओं, भाइयों और छोटे बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमारे कॉलेज के फाउंडर और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन श्री कैलाश, जिनका मैं साला हूं और जो मेरे बहनों ही होते हैं, पिछले दिनों इन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और अपनी तरफ से और कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से इन्हें धन्यवाद देता हूं, दिली मुबारकबाद देता हूं। श्री कैलाश, अब मैं श्री कैलाश से दरखास्त करूंगा कि ये अपने हाथों से आज के कंपटीशन के विनर को ये चांदी का कप दे। और हाँ, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज के कंपटीशन की विनर हमारे कॉलेज की एक बड़ी होनहार, हसीन और नौजवान कुमारी किरण है। मैं कुमारी किरण को इतना शानदार आइटम पेश करने की मुबारकबाद देता हूं और ये चांदी का कप इन्हें पेश करता हूं। धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने किरण जैसी आदर्श और होनहार बेटी को जन्म दिया। देश की ऐसी बेटी पर सिर्फ उन्हें ही नहीं, हम सबको फख्र होना चाहिए। पूज्य चेयरमैन, माता समान प्रिंसिपल जी और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज की कामयाबी मेरी ही नहीं, मेरे सारे बहनों और भाइयों की है और इन महान पुरुष की है जिन्होंने मुझ जैसे अनाथ को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए हमारी मदद की और ये कॉलेज बनवाया। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन के हर पग पर वो हमारी मदद करते रहे। आप सबको मेरा धन्यवाद। रिक्शा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? ए रिक्शा, सुनाई नहीं देता क्या? ओ यू इडियट, ये क्या मजाक है भाई? मजाक तो हाँ कर रही है मैम साहब, जो रिक्शे वाले को छोड़कर रिक्शे से बात कर रही है। ओहो, तो भी आपको बुलाने के लिए रिक्शा वाला सेठ बुलाना पड़ेगा? हाँ जी नहीं, हमें इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने अपमान से भी बुलाना जरूरी नहीं। अब देख, ठीक है,
आप चलेंगे मिस्टर रिक्शा? एक मिस्टर रिक्शा के लिए आप क्यों? आप तो कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैडम। ओफो, अब मुझे ग्रामर भी रिक्शा वालों से सीखनी पड़ेगी। हाँ, ग्रामर सीखने की जगह अगर आप तमीज सीख लेना बहुत अच्छा होगा। अच्छा इंसान वही होता है मैडम जो दूसरों की इज्जत करे, ठीक है ना? ओ माय गॉड, आजकल हमारे देश में हर कोई भाषण देने लगा है, और मजे की बात हमें तमीज भी उन्हीं से सीखनी पड़ेगी। मैम साहब, अच्छी चीज जहाँ भी मिले जिससे भी मिले सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना? मैं तुमसे कुछ सीखने के लिए नहीं रिक्शा लेने आई हूँ, समझे? अरे हम भी तो यहाँ सवारियों का इंतजार कर रहे हैं मैम साहब। लाइन में जो सबसे पहले रिक्शा खड़ी है जा सकती है। अगर मैं दूसरे नंबर की रिक्शा में बैठ जाऊँ तो क्या वो नहीं जाएगी? अरे जाएगी तो जरूर मैम साहब, लेकिन थोड़े टाइम से, क्योंकि जब तक पहले नंबर की रिक्शा नहीं जाएगी दूसरी भी नहीं जा सकती। अच्छा बाबा रिक्शा वाले सेठ, मेरा मतलब रिक्शा वाले साहब, पहले पैसे ठहरा लीजिए, नहीं तो पैसे के दो पैसे मांगोगे और झगड़ा करोगे सो अलग। ए भगवान, क्या किस्मत लेके आए हैं रिक्शा वाले। जहाँ रिक्शे वालों की बात छिड़ी बड़ा ही चालू, इसीलिए मैम साहब हमने आप जैसे लोगों के लिए यह बोर्ड बना रखा है। अब इस बोर्ड को देखिए, इसे पढ़िए और पट करके बैठ जाइए। इंदिरा नगर 50 पैसे, शास्त्री नगर 75 पैसे। अरे आप लोग तो बड़े सुधर गए, लेकिन अगर मैं लिखे हुए किराए से कम पैसे दूं तो रिक्शा चलेगा नहीं, और अगर ज्यादा पैसे दूं तो कोई लेगा नहीं। अरे तुम रिक्शा वाले इतने ईमानदार कब से हो गए? मजदूर कभी बेईमान नहीं होता मैडम, अगर धंधा ईमानदारी से किया जाए ना तो धंधे की भी इज्जत होती है और धंधा करने वाले की भी। अच्छा बाबा अपना भाषण बंद करो अभी। अरे मेरे साहब, अभी उस्ताद ने भाषण शुरू ही कहाँ किया है, अगर शुरू कर देगा ना भाषण तो बंद करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों उस्ताद? मुँह में क्या है? अरे मेरे मुँह में आम है, आम नहीं जाम है, जाम। अरे जाम भी नहीं, बाम है बाम। उस्ताद गला खराब हो रहा था ना इसलिए बाम लगा लिया। क्या बात है, आज छोड़ के बात करो। आज सुबह सुबह भैंक रहे हो, सुबह से टुल लो, कौन से अड्डे से चला के आया हो? लेकिन उस्ताद अब जिस गली से वार्निश की खुशबू आएगी ना उस गली का मैं भाड़ा भी नहीं ले जाऊँ। तो खा कसम, खा मेरी कसम कि तू फिर शराब पी के कभी धंधे पर नहीं आएगा। खानी पड़ेगी, खाता हूँ तो जाकर जाता हूँ। हाँ मैडम, एक नंबर तो टुन हो गया। तो क्या मुझे नंबर दो में बैठना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आपकी किस्मत में मैं लिखा हूँ, ठीक है ना? कहाँ की सवारी? शास्त्री नगर। चलो ए मिस्टर रिक्शा दाएं। अच्छा तेरे बच्चे कैसे हैं? रुको 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 बाबा, तुम रिक्शा चला दिए क्या करते हो? ब्रेक फेल हो गया था। अच्छा तुम ये खेलो, मैं भी आती हूँ। अरे आप जरा को कहती हैं, मैं तो आपके लिए जिंदगी भर जाम हो सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, वैसे आपको वेटिंग चार्ज देने पड़ेंगे। वेटिंग चार्ज ही लोगे ना, जान तो नहीं लोगे? अरे अभी इतनी जान पहचान कहाँ हुई है, वैसे वो भी बाद में ले लूंगा। शट अप, जा रही हैं आप जहन्नम में? मुझे भी ले चलिए ना, बहुत अच्छी जगह है। आई से शट अप। चलती तो है किराए के रिक्शे में और धौंस ऐसे जमाती जैसे रिक्शा वाले इनके बाप का ड्राइवर है। लोगों की नजरों में बुरी बनने के लिए मुझसे मिलने क्यों चली आती है? बोल बात क्या है माँ, क्या एक बेटी अपने माँ से भी नहीं मिल सकती? आखिर तू मुझे अपने से दूर रहने की सजा क्यों देना चाहती है? मेरी बच्ची, औलाद का माँ से दूर रहना उतनी बड़ी सजा नहीं जितना माँ का औलाद से दूर रहना। मगर मैं तुझसे अलग नहीं रह सकती माँ। तू समझती क्यों नहीं मेरी बच्ची, तू समझती क्यों नहीं? जब एक माँ अपनी ही औलाद को अपने पास आने से रोक दे तो उस माँ के जीवन में कितनी मजबूरियां, कितने खतरे, कितने दुख होंगे। इसीलिए तो कहती हूँ माँ, अगर किस्मत में दुख है
गम है तो सिर्फ तेरे लिए क्यों? हम दोनों मिलकर ये दुख बांट क्यों ना ले? बहुत कुछ तो हल्का हो जाएगा। नहीं बेटी, नहीं। मैं तो उस पुराने पेड़ की तरह हूं जिस पर कई बार बिजलियां गिर चुकी हैं, जो सैकड़ों तूफानों का सामना कर चुका है, मगर मगर तू तो एक कोमल डाल है जिसे हवा का मामूली सा झोंका भी हिला सकता है, गिरा सकता है। इसलिए तो मैंने तुझे यहां से दूर हॉस्टल में रखा है ताकि तू पढ़ लिख कर हालात का मुकाबला कर सके। बेटी बेटी, मैंने मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है और किसी को ये नहीं पता है कि तू मेरी बेटी है। कितनी अभागन है वो माँ जो जीते जी अपने ये बच्चे को अनाथ और बेसहारा कर दे। और ये सब इसलिए कि मेरा बाप एक बुरा और जालिम आदमी है। नहीं बेटी, छोटे मुझसे बुरी बात नहीं करनी चाहिए। बेटी तू पीछे दरवाजे से जल्दी से भाग जा, मैं नहीं चाहती कि तुझे यहाँ कोई देख ले। जा जा ना। अरे किरण, ये तो लेके जा। सुन, भगवान तेरी रक्षा करे। जा बेटी, जा जा जा। रोदी वो कहाँ है? कौन? अरे वो लड़की जो अभी आई यहाँ पर। लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। कोई लड़की नहीं आई? चलो चलो जल्दी चलो प्लीज। जल्दी क्या है, आराम से चलते हैं। नहीं नहीं प्लीज भगाओ रिक्शा। चलो चलो प्लीज। ठीक है, जैसे आप भी आ गए। कमाल है, आई थी हल्की और लौट रही है भारी। क्या चक्कर है? ए भाई, तबीयत तो ठीक है ना? अबे ओए, चल बढ़िया से। अरे साहब, मैं तो जा ही रहा था, आप ही के दोस्तों ने रोक लिया। इन्हें कहिए ना जाने दे, काय को खोटी करते हो, धंधे का टाइम है। तो ठीक है, लौंडिया को उतारो और फोड़ा यहां से। अरे वाह, वो किस खुशी में? अबे हमें इस पे शक है। शक है? क्या किया उसने? ये हमारे मोहल्ले में चोरी छुपी एक औरत से मिलने आती है। अरे वाह भाई वाह, अगर एक लड़की दूसरी औरत को मिलने भी आए तो उसमें भी आप लोगों को बम बम है। चल उतार। ए भाई, ये सवारी मेरी है, इसको बचाना मेरा फर्ज है। अबे ओए, मेरे से ज्यादा बकबक मत कर, जानता मैं कौन हूँ? शक्ल से तो गुंडे नजर आते हो। Thank you.
सरकार, मैंने उसे ऐसे तबियत से मारा, ऐसे तबियत से मारा, और सच कहता हूँ सरकार, अब की बार मौका मिला तो ऐसा मारूंगा कि मुंह खाली और दांत बाहर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मुरली को जान से मार डालते, यही कहना है ना तुम्हारा? जी नहीं, ये मेरा नहीं आपका कहना है। आदर, आदर। बड़ी खुशी की बात है कि ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिस्टर कैलाश नाथ आज अदालत की कार्रवाई देखने के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी और कोर्ट की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। यस प्रोसीड। थैंक यू। तो तुम मानते हो कि तुमने उसे मारा? जी हां, जो मैंने किया उसे इनकार करना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया ही नहीं। योर ऑनर, मुल्क ने मेरा काम आसान कर दिया, हर बात का खुद इकरार कर रहा है। अरे अरे साहब, आप जल्दी जल्दी में मेरी पकड़ क्यों कर रहे हैं? जो मैंने किया उसे इनकार नहीं, पर ये तो पूछिएगा मैंने किया क्यों? क्यों किया? साहब बात ऐसी, मैं अपने रिक्शे में एक लड़की को लिए जा रहा था, रास्ते में गुंडों ने उसका अपमान किया, मुझे बुरा लगा, मैंने उसे पीट दिया। आप ही बताइए सरकार, क्या उस लड़की को बचाना मेरा धर्म था कि नहीं? तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? तुमको पुलिस की मदद मांगनी थी। वाह साहब, क्या भेजे की बात की आपने। कहता मेरी माँ, बुरा मत मानना, आपकी बेटी जा रही है, रास्ते में गुंडे उसका अपमान करते हैं, भगवान भली करे आप आ पहुंचते और अपनी बेटी को अपमान होते हुए देखते हैं, तब आपके गुंडों से ये कहेंगे कि आप मेरी बेटी के साथ जो जी मैं करो, जब तक मैं पुलिस गार्ड को लेकर आता हूँ। आप ही सोचिए सरकार, आप क्या करते? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए बताइए आप क्या करते? तुमने मुरली और उसके साथियों को इसलिए मारा कि वो एक लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, इसकी कोई गवाही है? गवाही? गवाही तो कोई नहीं। क्यों नहीं? सरकार, मेरी सच्चाई की साक्षी मेरी आत्मा है, और फिर आजकल तो सच्चाई से बड़े बड़े महात्मा भी मुंह फेर लेते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं? गवाह है सरकार, गवाह है। तुम कौन हो? मेरा नाम पार्वती है, रिक्शा स्टैंड पर खाना बेचकर मैं अपना गुजारा करती हूँ। कल शाम को जो कुछ हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था, अगर इजाजत हो तो बोलूं? मैं इस औरत को अदालती गवाह की हैसियत से बोलने की इजाजत देता हूं। इस केस के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो अदालत से कह सकती हो। सरकार, जिस जगह झगड़ा हुआ था मैं वहीं पर रहती हूँ। कल शाम को मैंने बहुत जोर जोर की आवाजें सुनी, बाहर निकली तो इस भले आदमी को देखा और इस मुरली को भी, जो गुंडों के साथ एक लड़की को छेड़ रहा था। इस बेचारे ने रोकने की कोशिश की, सारे के सारे उस पर टूट पड़े। तुम किस लड़की की बातें कर रही हो? क्या वही जो कल शाम को तुम्हारे घर आई थी? लड़की? मेरे घर? हाँ हाँ, तुम्हारे घर तो लड़कियां आती जाती रहती हैं, क्या वो उन्हीं में से एक थी? एक अबला के लिए ऐसे शब्द इन्हें शोभा नहीं देते साहब। अरे हुजूर, अगर गवाहों से ऐसे गंदे सवाल पूछेगा तो शरीफ लोग अदालत में आना बंद कर देंगे। जिन बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं वो ना पूछी जाए तो अच्छा है। मेरे सवाल का इस मुकदमे से बड़ा गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। Then proceed. Thank you. तो तुम्हारा ये कहना है कि कल शाम को तुम्हारे घर कोई लड़की नहीं आई? जवाब दो। जी, जी हाँ, जी नहीं। ये गलत है। अगर तुम्हारे घर कोई लड़की नहीं आती तो ये झगड़ा कैसे होता? साफ जाहिर है योर ऑनर कि मुल्जिम को मुकदमे से बचाने के लिए ये मन गलत बातें कर रही है, झूठी गवाही दे रही है। नहीं सरकार, नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। That's all, Your Honor. तुम जा सकती हो। अपनी सफाई में तुम कुछ और कहना चाहते हो? हुजूर, जो हुआ वो मैंने बता दिया, जो नहीं हुआ वो वकील साहब ने बता दिया, और जो होने वाला है वो तो आप ही बताइए। गवाहों के बयान और खुद गोपी के इकबाले जुर्म से यह बात साबित हो जाती है कि मुलजिम गोपी ने मुरली और उसके साथियों को मारा। क्योंकि गोपी ये साबित नहीं कर सका कि उसने ये लड़ाई झगड़ा एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया, इसलिए अदालत मुलजिम गोपी को आईपीसी दफा 323 के तहत कसूरवार ठहराकर 250 रुपये जुर्माना करती है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिम को 2 महीने की कैदे बामुशक्कत की सजा काटनी होगी। जी, जुर्माने से मुझे क्षमा कीजिए, वैसे अच्छे काम के लिए जेल की चक्की पीसने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसे भी जेल में जरा सेहत ठीक हो जाएगी।
ठीक है ना? इनका जुर्माना भर दिया गया है, इन्हें छोड़ दो। मेरा जुर्माना किसने भरा? बड़े साहब ने। यह उनका कार्ड है, आपको घर बुलाया है। Here is another similar case in the Supreme Court. It's also about section 295. अरे गोपी, मिस, कॉपी दिस पैराग्राफ, पेज 195. आओ, बैठो। जी शुक्रिया। मैं समझा था कि तुम शायद नहीं आओगे। आता कैसे नहीं? आपने बुलाया जो था। वैसे आप ना भी बुलवाते फिर भी जरूर आते। क्यों? आपके रुपए लौटाने के लिए, जो आपने अदालत में मेरे लिए जमा किया। किसकी क्या जरूरत है? जरूरत आपको नहीं, मुझको है। जज साहब, आपने जुर्माना देकर यह साबित कर दिया कि आप मुझे मुजरिम समझते। नहीं गोपी, अदालत भले ही तुम्हें मुजरिम समझे, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाह समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया। अजीब बात है, आप बेगुनाहों की मदद कब से करने लगे? आप तो गुनहगारों को बचाया करते थे। वक्त वक्त की बात है गोपी, उस वक्त मैं वकील था, आज जज हूं। मुझे मालूम नहीं था कि जज बनने के बाद पत्थर भी मोम हो जाता है। गोपी, कल मैं वकील था, और वकील का फर्ज है कि वो अपनी काबिलियत से अपने मुवक्किल को बचा ले, चाहे वो गुनहगार हो या बेगुनाह। लेकिन एक जज ऐसा नहीं कर सकता, वो तो इंसाफ की हिफाजत करने वाला होता है। जज साहब, कल वकील भी आप ही थे, आज जज भी आप ही, क्या फर्क पड़ता है? जो बात आपको कल पसंद थी आज भी हो सकती है। नहीं गोपी, ऐसा मुमकिन नहीं, जज अपनी पसंद से कोई काम नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई पत्थर, जब तक सड़क पर पड़ा है पत्थर ही है, लेकिन जब इस पत्थर को तराश कर किसी मंदिर में रख देते हैं तो लोग उसे भगवान कहना शुरू कर देते हैं। बस यही फर्क एक वकील और जज में है। मुझे खुशी है जज साहब कि आपने अपने ख्याल बदल दिए। मुझे यह खुशी है कि तुम मेरी बात इतनी जल्दी समझ गए। अरे हाँ, उस दिन वो जो औरत अदालत में तुम्हारी गवाही देने आई थी, वो तुम्हारी कौन है? वो पार्वती माँ, वो मेरी कोई नहीं है, हमारे रिक्शा स्टैंड पे खाना बेचती है, बड़ी दुखियारी है बेचारी। और वो लड़की जिसकी वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, उसका पार्वती से क्या रिश्ता है? मेरे ख्याल से दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, पर एक चीज है जज साहब, जिस दिन वो लड़की मुझे मिली, मैं उसे पकड़ के सीधा आपके सामने ले आऊंगा, ताकि मैं अपनी बेगुनाही आपके सामने साबित कर सकूं। अच्छा जज साहब, मैं चलता हूं। फायर, मेरा मतलब है लगा दूंगा। कबीरा 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 कबीरा, अरे पार्वती कहाँ रहती है? क्या? परी। कहाँ की? आसमान की। जमीन पर मिलती है? हाँ मिलती है। तो मैं उड़ जाऊँ साथ इसके? चाचा चाचा, उसके लिए तुम्हें बाल काले करने पड़ेंगे। करूँगा। और जान भी देनी पड़ेगी। दूंगा। बुढ़ापे की हड्डी है, कहीं मार तो नहीं पड़ेगी? अरे चाचा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके चलूंगा कि पहले ठंडे पानी से नहलाएंगे और फिर गर्म पानी से नहलाएंगे, फिर ठंडे पानी से नहलाएंगे, फिर गर्म पानी से नहलाएंगे, और उसके बाद तौलिए से आंग पोछेंगे और पसीना छोड़ने की दो गोलियां देंगे, और उसके बाद अंधेरे में लेटा देंगे। बेटा लेटा क्यों देंगे? इसलिए कि बुढ़ा जवान हो जाए और जवान जवान मर्द हो जाए, और फिर उसके बाद वो शेर के मुंह में हाथ दे दे। चल बेटा चल, चल मुझे वहां ले चल। लेके चलता हूँ चाचा, लेके चलता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा नावा ढीला करो। नावा? अरे बेटा आज तो उधारी कर ले। उधारी कर ले? हाँ बेटा। चाचा जिधर से आए थे ना उधर ही चले जाओ। उधर जा रहा हूँ। अरे उधर नहीं चाचा, इधर जा इधर। अरे बेटा, अरे मैं तो पार्वती के घर पूछने आया था, वो कहाँ रहती है? जज साहब ने उसे बुलाया है। तो चाचा चले जाओ नाक के शेर से, शास्त्री नगर फूल वाली गली के दाएं तरफ। दाएं तरफ नाक के शेर पे ये चला। ग्राहक भी मिला, वो भी कर का। हाय डार्लिंग, हेलो डार्लिंग। पार्वती, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलवाया है? क्यों, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी? पहचाना कैसे नहीं, मैंने आपको अदालत में देखा था, एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, शायद वो इंसाफ की कुर्सी थी। लेकिन अदालत में मुझे देखकर तुम किस सोच में पड़ गई? आपकी सूरत को जानी पहचानी से लगती थी। पार्वती, मैं कैलाश, शांति का पति। शांति? हाँ हाँ शांति, तुम शांति को नहीं जानती? शांति? हाँ जानती हूँ, मगर उस शांति को जिसको उसके पति ने मार डाला था।
मगर वो पति आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो जज हैं और जज तो कानून का रखवाला होता है। वो अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है? पार्वती, मैंने शांति का खून नहीं किया। ये मैंने आपसे कब कहा कि आपने शांति का खून किया है? मगर जिस शांति को मैं जानती हूँ, उसका खून उसके पति ने किया है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर शक था। शक जरूर था मुझे पार्वती, लेकिन खून मैंने नहीं किया। मरते वक्त शांति ने खुद मुझसे कहा था कि उसका खून उसके पति ने किया है। नहीं पार्वती, नहीं, खून किसी और ने किया था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। पार्वती, शांति तो मुझसे छीनी गई, लेकिन मेरी बच्ची कहाँ है? आपकी बच्ची? ये अचानक बच्ची कैसे याद आ गई? क्या आपने उसे उसकी माँ के साथ परलोक नहीं भेजा? नहीं, वो जिंदा है। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि वो जिंदा है? मेरा दिल कहता है। समझी, शायद आप उसे भी उसकी माँ के पास परलोक भेजना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नजर में तो वो शांति के पाप की निशानी है ना? नहीं नहीं पार्वती, नहीं। मेरा सीना चीर कर देखो, तुम्हें उसमें एक मरा हुआ दिल मिलेगा। तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं शांति की चिता के साथ जल जाना चाहता था, लेकिन लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि शांति की प्यार भरी निशानी मेरी बच्ची जिंदा है, तो उसे एक बार देखने के लिए मैं माँ से भागा भागा फिर रहा हूं, ताकि एक बार उससे मिल लूं और माफी मांग लूं। पार्वती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारा तो फिर भी मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अगर तुम्हें मालूम है कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो एक बार मुझे उससे मिला दो, एक बार मुझे उससे मिला दो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं कि आपकी बच्ची कहाँ है, किधर है, किसके पास है, किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं। शांति, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बच्ची का बाप मुझसे पूछ रहा है कि मेरी बच्ची कहाँ है। भगवान ही जाने उसे अपनाना चाहता है या जान से मार डालना चाहता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। शांति, क्या मैं सच बोल दूं? किसी से नहीं बोलना भाभी, किसी से नहीं बोलना। लेकिन लेकिन तुम पे गोली कैसे चलाई? मेरे पति ने। मगर क्यों? मैं मनोहर भैया से बात करी थी, उनको मुझ पर शक हो गया कि मनोहर भैया के साथ मेरा कुछ। भाभी, जो होना था सो हो गया, लेकिन लेकिन मुझे वचन दो भाभी, अभागिन बच्ची को तो अपनी बच्ची समझकर पालोगी, नहीं तो वो इसको भी मार डालेंगे, क्योंकि वो मेरे पाप की निशानी समझते हैं। मुझे वचन दो भाभी, मुझे वचन दो। हाँ हाँ शांति, हाँ शांति, शांति, शांति। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची पे कभी आंच नहीं आने दूंगी, कभी आंच नहीं आने दूंगी। मनोहर, तुम बाहर ही रहना, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। माइकल, तुम मेरे साथ आना। तुमने किसी औरत को देखा है बच्चे के साथ? औरत और बच्चा, यहाँ तो कोई औरत नहीं आई। और ये बच्चा किसका है? ये तो मेरी बच्ची है। हैं? तुम्हारी बच्ची है? अरे भाई मनोहर, तुम्हारी बीवी तो कह रही है कि ये तुम्हारी बच्ची है और तुम 2-3 साल से जेल में, मेरा मतलब। ये तुम्हारी बच्ची है? मैं पूछता हूँ, ये तुम्हारी बच्ची है? पढ़ती क्यों नहीं? हाँ हाँ, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। ये कैसे हो सकता है? 2 साल से मैं जेल में था। बोल, कोई स्टाफ कमी नहीं, कम नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दे मुझे हराम की आवाज। नहीं, 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 आप इसे कुछ मत कहिए, इस
फुट आप कुछ नहीं समझेंगे। मैं साफ समझता हूँ। कानून से कब तक भागते रहोगे? चलो चलो पार्वती, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। पार्वती क्या सोच रही है? ये घर छोड़ के भाग जा, भाग जा, नहीं तो वो तुझे और इस बच्ची को जान से मार डालेगा। भाग जा, भाग जा। कन्हैया, ये तूने मुझे कैसे उलझन में डाल दिया? मैं इस बच्ची को बचाने के लिए सारी दुनिया से झूठ बोलती रही, उसे दूर भागती रही, मगर कब तक? कब तक भगवान? भगवान, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। भगवान, मुझे भी तो देव की माँ ने जन्म दिया था और यशोदा माँ ने पाला था। मैं भी यशोदा माँ हूँ, मैं भी यशोदा माँ हूँ। मुझे शक्ति दे भगवान, भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। ये कमबख्त रिक्शे वाला गोपी और उसके साथी है ना, ये मेरी जान के पीछे पड़े हुए। अब लेटेस्ट न्यूज ये है बहनोई साहब कि ये मेरे खिलाफ अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में। अजय मदन बाबू, पागलों से भरी है ये दुनिया। इस दुनिया में आप जैसे अकलमंद और 420 मेरा मतलब है बुद्धिमान कम है और गोपी जैसे पागल बहुत है। बचाओ! ए छोकरी, ए छोकरी, बचाओ, बचाओ। ये देखिए, ये रिक्शा वाला मेरा पीछा कर रहा है। रिक्शा वाला? हाँ। अरे हाँ, ये तो गोपी है। नमस्ते जी। क्या बात है गोपी जी? मैंने कहा था वो लड़की को लाऊंगा, यही है वो लड़की। पूछिए तो इसे क्या हुआ था। आओ मेरे साथ। बहनोई साहब माफ कीजिएगा, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। आई आई सर। आओ। मेरे ख्याल में उस दिन कॉलेज में। जी हाँ, मैं किरण। अच्छा, आओ। लेकिन किरण, उस दिन तुमने ऐसा कैसे किया? जी? ये बेचारा तुम्हारे लिए गुंडों के साथ पड़ा और ऊपर से इसे सजा भी भुगतनी पड़ी। क्या मेरी वजह से इन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी? मुझे माफ कर दीजिए। माफी उससे मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, रियली वेरी सॉरी। इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आई जस्ट डिड माय ड्यूटी। शायद इन्होंने ही कहा, टू डू वंस ड्यूटी इज अ रियल ह्यूमन ब्यूटी। इंसान वही होता है जो औरों के लिए जिए। किसी ने क्या खूब कहा, Life is a matter of give and take, but the nobler is the one who gives rather than takes. You get it? ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी? आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? अजी मैं बोल नहीं, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ। आपके क्वालिफिकेशन? बी ए ऑनर्स। बी ए ऑनर्स? इतना पढ़ने लिखने के बाद आप रिक्शा चलाते हैं? डिग्री? वाह मैडम वाह, क्या बात की आपने। हाथ जोड़ के नमस्कार करने को जी जाता है। अजी मेम साहब, कोई काम छोटा नहीं होता। जो लोग खून पसीने से कमाते हैं वही बड़े होते हैं। देवी जी, अगर इंसान की मेहनत मजदूरी का शौक और पढ़ाई लिखाई साथ साथ चलने लगे, मन में क्या होता है? तो क्या होता है? देश में कोई भूखा नहीं रहता, और जिस देश में कोई भूखा नहीं रहता वो देश महान होता है। क्यों? ठीक है ना? देखा बेटी, कितने ऊंचे आदर्श हैं इस बच्चे के, लेकिन तुम्हारे उस दिन कोर्ट में न आने की वजह से इस बेचारे को कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। ओ, बात कोर्ट तक पहुंच गई, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अगर मालूम भी होता तो शायद मैं कोर्ट तक ना जाती। क्यों? क्योंकि वहां के पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मैं शायद ना दे सकती। कि मैं कौन हूं, मेरा खानदान क्या है, मेरे माँ बाप कौन है? तुम अपने माँ बाप को नहीं जानती? जी, माँ को जानती हूँ, बाप को नहीं। क्यों? बाप को क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो बाप कहलाने के काबिल नहीं, वो इंसान के रूप में हैवान है। जो जुल्म उसने मेरी माँ पर किए, उन्हें देखते हुए मुझे दुनिया के हर मर्द से नफरत हो गई है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं। कोई बीमारी है क्या आपको? बीमारी ही समझ लो, जब किसी का दुख सुनता हूँ तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है। I'm all right now. अच्छा अच्छा
आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो किरण जी, इधर आओ। क्या बताया तुमने अपने पिताजी का नाम? जी मैं उस पापी का नाम नहीं जानती। तुम्हारी माताजी का नाम? जी मेरी माताजी का नाम मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ? नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। आज से तुम इस घर को अपना ही समझो। जब दिल जरा उदास हो तो यहाँ चली आना। अब मैं चलूँ? God bless you. अरे बाबू जरा इस गाड़ी में चढ़कर तो देखो, हल्की सवारी का रुपया भारी का सवा। बोलो कहाँ जाना है? लाल बत्ती के चार रास्ता, बोलो बोलो। वाह हमारी बिल्ली हमीजे में आओ। अचानक तुझे क्या हो गया? अंदर तो ठीक थी, धतूरा खा के तो नहीं आई है? अरे बाबू बैठने तो बैठो, नहीं तो चलते बनो, हमारी दूसरी सवारी आने का टाइम लग गया। ए, तेरा दिमाग तो ठिकाने, ये सब क्या कर रही है? रिक्शा चला रही हूँ। अरे जाने मन रिक्शा चला रही हो तो शौक से चलाओ, लेकिन कम से कम हमारे दिल पे छुरियां तो ना चलाओ। तुम्हारे जान की कसम, अगर आसपास के लोग जागे नहीं होते तो इस अदा पे तुम्हें सीने से लगा लेता। तुम्हारा मतलब है मैं रिक्शा नहीं चला सकती? अरे जरूर चला सकती हो तुम, रिक्शा क्या, तुम तो हाथी भी चला सकती हो। लेकिन मैडम तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां रिक्शा चलाने लगी तो इस भंडार का क्या होगा? इस गरीब के रिक्शा में कौन बैठेगा? कोई बैठे या ना बैठे, मैं तो जरूर बैठूंगी। जब तुम इतना पढ़ लिख कर रिक्शा चला सकते हो तो मैं क्यों नहीं? अच्छा तुम्हारे आदर्श मेरे आदर्श। अरे वाह आज तो खूब जीप चल रही है खटाखट कैंची की तरह है। अरे मेम साहब मेरे आदर्शों को अपनाना है तो किसी और मामले में, मेरे धंधे में नहीं, समझे? अरे ये क्या है? ये एक बारात है। बारात क्या होती है? शादी। शादी? ये शादी क्या होती है? एक लड़के और एक लड़की का बंधन। ये बंधन क्या होता है? ओहो, तुमने कोई मुझे खलीफा समझ रखा जो हर बात का जवाब दूं? जब वक्त आएगा ना समझ जाओगी। कैसे? देखो मैडम मेरे रिक्शे का एक ही चमत्कार है, जो लड़की इसमें बैठी फट दन उसकी शादी। सच? अब तो समझी शादी के बाद क्या होता है? मैं बताऊं? दुल्हन स्वर्ग का रूप लिए फूलों की गठड़ी बनी बैठी होती है। फिर दुल्हा कुछ उलझा उलझा सा कुछ सोचता उसके पास आ बैठता है। फिर दुल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है, दुल्हन सिमट सी जाती है, चूड़ियों की आवाज से दोनों के दिल की धड़कनें मंदिर की घंटियों की तरह बज उठती हैं। दुल्हा हिम्मत करता है, फिर दुल्हा दुल्हन के इतने नजदीक पहुंच जाता है कि एक दूसरे की सांसों की महक से दोनों दीवाने हो जाते हैं। दोनों का दिल जोर जोर से उछलने लगता है और दोनों एक दूसरे में डूब जाने को मचल उठते हैं।
अभी पीछे है हम जहां सपना सुहाना ऐसा नहीं देखा हमने जमाना ऐसा नहीं देखा सपना सुहाना ऐसा नहीं देखा हमने जमाना ऐसा नहीं देखा जी चाहे बस इस जगह पे कट जाए ये जिंदगानी फूलों की दुनिया से तारों की दुनिया में हम कहां आ गए आ गए आ गए अंबर भी पीछे पीछे बादल भी पीछे आ गए आ गए आ गए आ गए बस थोड़ी सी मेहरबानी कितना हसी है लेकिन ये तुमसा दिलकश नहीं है हाँ ये नजारा कितना हसी है लेकिन ये तुमसा दिलकश नहीं है बस बस अब रहने भी दो तुम हो जाऊंगी मैं दीवानी हे फूलों की दुनिया से तारों की दुनिया में हम कहां किरण है तू मेरी किरण नहीं है जब से उसे कॉलेज में नाचते गाते देखा है मेरे दिल में नाचती है मेरे दिमाग में नाचती है ठीक बात है बिहारी सेठ मगर काम बहुत मुश्किल है मुश्किल तुम्हारे लिए तुम कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सेक्रेटरी हो शहर के इतने बड़े आदमी हो सोशल वर्कर हो बैठो तुम बैठो अगर तुम समझदार गए ना मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा मगर सेठ आप बात समझ नहीं रहे अरे मैं समझना भी नहीं चाहता मुझे तो वो लड़की चाहिए वो लड़की वो लड़की चाहिए ये लोग लड़की चाहिए और भारत जितने रकम चाहिए अरे क्या बात करते हो बिहारी सेठ तुम हमारे क्लाइंट ही नहीं हो हमारे दोस्त भी हो अगर 10 दिन के अंदर तुम्हारी लैला को तुम्हारी गोद में न बैठा दिया तो मदन नाम नहीं प्रॉमिस प्रॉमिस रूबी See him off. Okay. See you off. Bye. See you off.
मुरली। हाँ बस, ऐसे मुर्गे रोज रोज नहीं फंसते। मुर्गी का नाम बता बस। किरण। किरण, वो जो कॉलेज में पढ़ती है, तू उसे जानता है? अरे बस, सिर्फ जानता नहीं हूँ, मैं तो कई दिनों से उसके पीछे भी लगा हूँ। रियली? हाँ बस। बस इतने साल आपके साथ काम करते करते हो गए हैं, अब तो मेरी नजर भी आपकी नजर बन गई है। बस जब और जहाँ कोई भी खूबसूरत लड़की नजर आती है ना, तो मुरली की मुरली अपने आप बदली शुरू हो जाती है। बस आपके बताए बगैर ही उसको आपके पास लाने की कोशिश में लग जाता हूँ। पार्वती। कौन तुम? मुरली। क्या क्या बात है? अरे बात क्या होगी, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारा हालचाल पूछता चलूं। बड़ी मेहरबानी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। सुनो पार्वती, कोई लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही कॉलेज वाली जो चुप चुप कर आती है। यहाँ तो कोई लड़की नहीं आती। अरे ठीक है, मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, ये रोज रोज के छोटे मोटे धंधे करने से तो अच्छा है एक बार बड़ा धंधा कर लो। इस झोपड़ी से महल में ना पहुंच जाओ तो मेरा नाम भी मुरली नहीं। ये तुम क्या बकते हो? अरे बक नहीं रहा हूँ, धंधे की बात कर रहा हूँ। मेरे पास है ना, उस लड़की को रखना चाहते हैं। अरे हाँ, वो मुंह मांगे दाम मिलेंगे। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। निकलना तो तुझे होगा यहाँ से पार्वती, शरीफों के मोहल्ले में रहकर एक लड़की से धंधा कराते हुए शर्म नहीं आती? बेशरम, क्या कर रहे हो? अरे देख क्या रहे हो, उठा के सामान दे दो उसके बाहर। अरे हाँ, आओ फिरो सामान के बाहर। अरे भागन के पीछे पड़े हो? अरे चल मुंह खड़ा कर यहाँ से, तेरे लिए इज्जत आबरू कुछ नहीं, लेकिन हम सब लोगों के लिए इज्जत है, हम इज्जत के लिए जान नहीं दे सकते। भागो सामान मार। क्या बात है, तुम शरीफ और इज्जत वालों की, एक बेसहारा औरत की इज्जत पे कीचड़ उछालते हो। अरे तू कौन है इसका, हिमाती या इसका यार? नीच कमीने कुत्ते, एक अबला पर ऐसी गिनानी तोहमत लगा के तूने अपनी मौत को ललकारा। अकेली औरत में तो बड़े गरज देते, अब क्या हुआ है? हाँ तबे तो चल माँ, तू मेरे साथ चल। ये मोहल्ला छोड़कर कहाँ जाऊंगी बेटे? ये मोहल्ला नहीं माँ, मुर्दों की बस्ती है, यहाँ इंसान नहीं पत्थर बसते हैं। तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों करता है रे? माँ की सेवा करने से बेटे को तकलीफ नहीं, खुशी होती। चल बहुत देरी हो रही है, चल। ओ गोपी भैया, अरे तूने कहा था चंदर के केस के हाईकोर्ट में अपील की थी, कानून हमारी मदद करेगा, लेकिन पैसे के लिए क्या करेंगे, अब क्या होगा? अरे यार होगा क्या, पैसे के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन अपील के लिए तो बहुत से रुपए चाहिए। हाँ ये तूने ठीक कहा, लेकिन यार कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, दो चार रिक्शा भेज देंगे। अरे गोपी भैया, अरे तुमने कुछ सुना भाई? क्या? अरे परसों मद्रास में बहुत बड़ी रिक्शा रेस होने वाली है। हाँ सारे देश के बड़े बड़े रिक्शा वाले उसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा? जीतने वाले को 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। 5,000? 5,000? हाँ। फिर तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। चंदर हाँ? का मुकदमा जीतेंगे 5,000 रुपए से। साथियों और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ऑल इंडिया साइकिल रिक्शा रेस हमारे मद्रास शहर के अरिंगर अन्ना नगर में हो रही है। इसमें हिंदुस्तान के हर प्रांत से रिक्शा वाले भाग लेने आए हैं। इस रेस में जीतने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हमें देखना यह है कि वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो इस रेस को जीतकर 5,000 रुपए का इनाम हासिल करेगा।
लीजिए अब रेस शुरू होती है। रेडी रेडी। जीतने वाले नौजवान गोपी को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। क्यों बेटी, समोसे पसंद आए? हाँ चाचा, बड़े मजेदार हैं, गर्मा गर्म। चाचा नहीं, ताऊ कहो। अजीत ताऊ ही सही। अब मेरी समझ में आया कि 5 बजे का घंटा बजते ही तू यहाँ क्यों आ धमकती है। तुझे ये गर्मा गर्म समोसे यहाँ क्या चाहते हैं? क्यों छेड़ रहे हो बेचारी को, खाने दो ना। खाओ बेटी खाओ, ये लो, इसकी मत सुनना। अजी तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? ऐसा मालूम होता है जैसे तुम ही इसके बाप हो। बाप ही समझ लो सुंदर काका। जब भी मैं किरण को देखता हूँ, न जाने मेरे दिल में बाप का प्यार क्यों मंडाता है। किरण, तुम मुझे पिताजी कहा करो। देखा किरण बेटी, ये कैलाश का बच्चा तुमसे कितना प्यार करता है। चाय का वक्त हुआ नहीं कि तुम्हारे लिए बेचैन हो जाता है। ताऊ जी, आप जज साहब से बातें कर रहे हैं, जरा दब से बोलिए। अरे तुझे बेटी और क्या बताऊं, जब ये छोटा था तो 2 पैसे के पेपरमेंट के लिए मुझसे कई तरह के झूठ बोलता था। और जब मैं इससे पूछता था तू झूठ क्यों बोलता है, तो जानती हो क्या जवाब देता था? क्या जवाब देते थे? अरे कहता था कि मैं झूठ बोलता जरूर हूँ, लेकिन इस खूबसूरती से कि आपको मेरे झूठ पर यकीन आ जाता है और आप मेरे झूठ पर विश्वास करते हैं। अच्छा। अरे इसकी यही चालाकी देखकर तो मैंने इसके माँ बाप पर जोर दिया था कि इसको वकालत पढ़ाओ, और देख लो आज मेरे सामने जज बना बैठा है। बड़े छट्टे लग रहे हैं बहनोई साहब, आखिर बात क्या है? आप आ गए? जी हाँ। अब हमारा हंसना बंद, अब आप बैठकर खून खराबे की बातें कीजिए, हम चलते हैं। चलो बेटी। चाचा जी आप आदमी बहुत समझदार हैं। जी हाँ, आपसे कम। आओ बेटी, चलो बैठिए। चलो बेटी। बहनोई साहब
दरअसल मैं वो चंदर वाले केस के लिए आपके पास आया था। वो तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि उन लोगों ने मेरे खिलाफ अपील कर दी है और समन जारी करा दिए हैं। अब क्या होगा भैनोई साहब? आर्गुमेंट्स होंगे और अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा होगी। लेकिन भैनोई साहब, पहली बार भी आप ही ने मुझे कानूनन बचाया था और अब की भी आप ही को बचाना पड़ेगा। मदन, आज तुम एक जज से बात कर रहे हो, वकील से नहीं। और याद रखो, आइंदा कभी इस केस के बारे में मुझसे बात की तो तुम्हें मुझसे नहीं पुलिस से निपटना होगा। तो मैं भी पुलिस से निपटना होगा कैलाश। ओह आई एम सॉरी ऑनरेबल जस्टिस कैलाश, आप ये शायद भूल रहे हैं कि आप ही ने अपने आदमी के जरिए अपनी पत्नी का खून करवाया था और ये बात मेरे सिवा किसी और को मालूम नहीं। और अगर आपने पुलिस को बुलाया तो मुझे मजबूरन ये बात उनके सामने कहनी पड़ेगी और मजबूरन ही मुझे वो रिवॉल्वर भी उनको देना पड़ेगा जो आज तक मेरे पास मौजूद है। बाबूजी अच्छे तो हैं? घबराने की कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाने की वजह से जज साहब को तकलीफ हो गई है। मैंने जो दवा दी है उसे देती रहना। आप मेरे साथ आइए, एक और दवा लेनी है। आइए। आपसे एक बात पूछूं, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं, आपके बच्चे, पत्नी? पत्नी थी, एक बच्ची थी। तो फिर वो सब कहां गए? सब बिछड़ गए, मेरे क्रोध और पाप की अग्नि में सब जल गए। पाप? आपने पाप किया? हाँ, मैं पापी हूँ, नहीं तो मुझे ये सजा क्यों मिलती? सजा? कैसी सजा? सजा ही तो है, ये इतना बड़ा घर, यहाँ की खूबसूरत चीजें, दूसरों के लिए जन्नत हो तो हो, लेकिन मेरे लिए जहन्नुम है। जहाँ मेरी पत्नी नहीं, मेरी बच्ची नहीं, घर घर नहीं शमशान भूमि है। किरण, मैं वो बदनसीब बाप हूं जो एक बेटी के होते हुए उसे देखने के लिए, मिलने के लिए तरस रहा है। अरे, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, न जाने वो कहां है, किस हाल में है। अगर वो आज होती, तुम्हारे ही जितनी होती। अभी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बच्ची, जीते रहो, जीते रहो। तो आप कैलाश की इतनी मजाल हो गई कि मेरे सामने सर उठा के बात कर सके, मुझे टका सा जवाब दे। मुझे तो लगता है कि ये सब उस रिक्शा चलाने वाले का जादू है। हाँ बस, ये सब उसी का किया करा है। ऐसा लगता है कि यार उसने ही हमारे खिलाफ लड़ाई है। तुम्हारा ये मतलब है कि एक मामूली सा रिक्शे वाला हमारी हर बात में टांग लगाएगा? बस ऐसे ही लगता है। आपको याद है जब मैं किरण को पहली बार उठाने गया था तो यही साला भिड़ गया था मुझसे। मैं जानता हूँ बात कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तुम्हें मालूम है आजकल किरण का रोज कैलाश के आना जाना है? बस कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? मेरा भी यही ख्याल है, कैलाश असली बात छुपा रहा है, किरण से जरूर उसका कोई ना कोई रिश्ता है। अगर ऐसी कोई बात है बॉस तो पार्वती जरूर जानती होगी। पार्वती? तुम कौन सी पार्वती की बात कर रहे हो? बॉस, एक औरत है, रिक्शा स्टैंड पे खाना बेचने जाती है। शक्ल सूरत से पार्वती तो कम, लेकिन ऐसी वैसी ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन उसका किरण से क्या वास्ता? कोई ना कोई वास्ता तो जरूर है बॉस, क्योंकि किरण को मैंने अक्सर बातें जाते देखा बॉस। और नहीं, ये औरत रहती कहाँ है? वही रिक्शा वाले को भी है।
और ये गोपी कहाँ रहता है? बस अपना शास्त्री नगर है ना, उसके बाजू वाली फूल गली में। पार्वती, मनोहर, किरण। पार्वती। 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 कौन है आप? अरे पार्वती तुम हो? कितनी बदल गई हो तुम। मैंने आपको पहचाना नहीं। ये लो, मुझे नहीं पहचाना। अरे भाई मैं मदन हूँ, वकील कैलाश बाबू मेरे बहनों ही हैं, यानी मैं उनका साला हूँ। तुम तो अच्छी तरह से पहचानती होगी उन्हें। अरे खैर छोड़ो जान पहचान को, ये बताओ कि तुम्हारी एक बेटी थी वो कहाँ है? बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं, ना ही मैं किसी वकील कैलाश को जानती हूँ। आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? जी। मगर तुम्हारा नाम भी तो पार्वती है। खैर हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो, शायद तुम वो पार्वती हो जिसका पति मनोहर जेल में है। इतना तो तुम जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। आप चले जाइए यहाँ से। पार्वती, अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। मैं वकील कैलाश बाबू का साला हूँ, मेरा नाम मदन है। अगर सीधी उंगलियां तो घी नहीं निकले, हम उंगली टेढ़ी करने भी जानते हैं, समझी? महापुरुषों, अरे आज मेरे पूज्य पिताजी का अंतिम श्राद्ध है। आप लोगों में कोई साधु हो या ब्राह्मण हो तो मेरे साथ आए, अरे मुंह मांगी दक्षिणा पाए और मन भर खाना खाए। हमारी तेरी सवारी आ गई, अभी लपेटता हूँ प्यारे। अरे चाचा, ये थाली डंडा तो हाथ में रह गया, वो बंदरिया कहाँ गई? अबे उल्लू के पट्टे, तुझे हमेशा बता की सूचना रहता है, देखता नहीं मैं कितने कष्ट में हूँ। अबे श्राद्ध का समय बीता जा रहा है, कोई साधु और ब्राह्मण भी तो नहीं मिल रहा। चाचा आजकल देश में रोटी पानी बहुत है, जिसका देखो पेट भरावा है। हाँ अगर कुछ ऊपर से दे सको तो साधु और ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ। बोलो कुछ ऊपर से दे सकोगे? हाँ बेटा दे दूंगा, मार दे, मेरी जेब के ऊपर मत जाइए। और चाचा जेब के अंदर ही अंदर, मैं तब तक के उसे ढूंढ के लाऊं, तुम दम मारो। है? हाँ गांजा भरा हुआ बीड़ी है, मजा आ जाएगा। दम मारो दम। देखो ना भाई, मेरे मुंह पर काली पोत रही है, धक्का मार दिया, मुझे गाली दे रही है। गालियां बोलते है क्या? क्या जी पांव में चप्पड़ा नहीं तो ऐसी जगह मार लगा के की? क्या चीजा, ये मिला तुम्हें सही साधु धर्मात्मा जिसे तुम ढूंढ रहे थे सुबह से? बोलते है दयालु इन धरती वालों को, एक साधु ब्रह्मचारी को तेरा अन्न नहीं है, कोई भगत जो इस ब्रह्मचारी को भोजन कराकर अपनी मन की मुराद पाए। वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल मेरे पिताजी की आवाज है। अरे कहीं पिताजी खुद तो नहीं अपने साथ का खाना खाने आ गए? गोपी भैया, अपना कबीरा है ना, वो साधु बन के चाचा को बेवकूफ बना रहा है। चलो कुछ करते हैं। अरे जुमल, वो अपना कबीरा कहाँ है? कबीरा क्यों ढूंढ रहे उसे? अरे सारे फोटोग्राफर उसे ढूंढ रहे, उसकी लॉटरी निकली है। लॉटरी? हाँ। की 50,000 रुपए की। 50,000 लॉटरी? भैया कहाँ है लॉटरी? कहाँ है 50,000? ये क्या ढोंग रचा रहा है? भैया ये ढोंग 21 रुपए के लिए रचाया था, जब भगवान ने मुझे 50,000 रुपए दे दिए तो मैं 21 रुपए नहीं लूंगा। अरे 50,000 क्या, तुझे तो 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। भागे भागे। लेकिन गोपी भैया मुझे इसका भाड़ा तो दे दो। बेटा तुम अच्छे समय पर आ गए, वरना ये कम वक्त मेरे 21 रुपए बिक गया था। बेटे चाचा आप यहाँ कैसे? बेटी मैं वो पिताजी के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को ढूंढने आया था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? वो मंदिर नहीं पार्क में सहेली से मिलने जा रही थी, सहेली वो रिक्शा ढूंढ रही थी। आप जाइए ना चाचा जी, प्लीज चाचा जी। बेटा तुम जरा मुझे अपने रिक्शा पे छोड़ाओगे? जी जी, मेरी पहले से एक सवारी है। पहले से पार्क की? जी। अरे बेटा हम ये नाटक बहुत कर चुके हैं, जाओ जाओ।
अरे बेटा मेरे पिता की आत्मा व्याकुल हो रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि शराब का खाना मुझे ही खाना पड़े। राम राम हरे राम 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 राम। मैंने कहा क्या ये रिक्शा खाली है? मैंने कहा ये रिक्शा तो अपनी मर्जी से चलने वाली है। मैंने कहा क्या ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगी? मैंने कहा मंजिल अच्छी लगी तो जरूर ले जाएगी। मैंने कहा मुझे सपनों के नगर जाना है। मैंने कहा सपनों का नगर तो बड़ा सुहाना है। मैंने कहा ज्यादा बातें बनाना अच्छा नहीं। मैंने कहा इतनी दूर अकेली जाना भी अच्छा नहीं। मैंने कहा मैं अकेली नहीं, कोई मेरे साथ है। मैंने कहा सच बताना ये किसकी बात है? मैंने कहा चलकर देख लो। मैंने कहा मैं ना चलूं तो? मैंने कहा चलना ही होगा। मैंने कहा फिर जो होगा सो होगा। अरे टोपी तो लाओ। पहले रिक्शा चलाओ। रिक्शा रोको। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है? मुझे उलझन हो रही है। उलझन हो रही है तो कूद जा। कूदो कैसे, फंस गई। फंस गई? क्या फंस गई? अरे इस तरफ तो देखो। अरे इस तरफ देखा तो उस तरफ कौन देखेगा? मैंने कहा रिक्शा रोको ना। अरे ये तो सचमुच फंस गई। अरे 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 छोड़ दे तू दिल मोड़ दे ओ सनम, मैंने कहा जिद छोड़ दे तू दिल मोड़ दे ओ सनम। अय्या बदले में दुपट्टे के छल्ला दे अंगूठी दे, बदले में दुपट्टे के छल्ला दे अंगूठी दे, कोई तो निशानी होनी चाहिए मेरे दिल दीवाने को लोगों को सुनाने को, कोई तो कहानी होनी चाहिए। Thank you.
अच्छा तो ये वादा कर, कल आएगी मेरे घर। अच्छा तो ये वादा कर, कल आएगी मेरे घर, ना आई तो यारी टूट जाएगी। अच्छा कल तो आने दे, आज तो जाने दे, वरना तेरी प्यारी रूठ जाएगी। अय्या मोड़ दे शर्म। अरे रूडी, कहाँ मर गया मुरली का बच्चा? बॉस आ गया। ओ वंडरफुल, अरे कमाल है, कमाल है। अरे मार्वेलस, देखा? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुरली, तूने कमाल कर दिया। थैंक यू। एक काम और कर, ये तस्वीरें कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भिजवा दे। प्रिंसिपल के पास? हाँ, प्रिंसिपल के पास। मैं एक तीर से तीन शिकार करूंगा। कौन सा तीर? यू नो इट बॉस। कौन से तीन शिकार? मैं समझा नहीं बॉस। तीन शिकार मुरली। नंबर एक, कॉलेज प्रिंसिपल के दिल में जो किरण के लिए इज्जत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और नंबर दो, इस तस्वीर की मदद से किरण को कॉलेज से निकलवाने में हमें आसानी होगी। नंबर तीन, अब पार्वती को बताना ही होगा कि किरण किसकी बेटी है। रूबी, एक खत लिख, खत लिख प्रिंसिपल को। ओ मनोहर, बड़े अच्छे वक्त पर आए। सजा पूरी हो गई? सजा तो पूरी हो गई गुरु, लेकिन प्रतिज्ञा अभी अधूरी है। घबराओ मत मनोहर, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। मैंने पार्वती का पता लगा लिया है। कहाँ है वो? इस वक्त वो बड़ी ऊंची और फौलादी दीवारों के पीछे है, मगर मैं फौलाद को पिघलाकर दीवारों को गिरा दूंगा और पार्वती को तुमसे ऐसी जगह मिलवाऊंगा कि तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। गुरु, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। रूबी, ले जा। ये क्या है? एक मर्द के साथ ऐसी नंगी तस्वीर खिंचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई मैडम। तुमने खिंचवाई या किसी और ने खींची, इससे क्या फर्क पड़ता है? तस्वीर तो तुम्हारी है या नहीं? जी हाँ। मैं पूछती हूँ, ये कदम उठाने से पहले ये तो सोचा होता कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे साथ साथ हमारे कॉलेज का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। सच्चाई जानने के बाद आप मुझे जरूर माफ कर देंगी मैडम। नो मोर एक्सप्लेनेशंस प्लीज मैडम। आई एम फोर्स्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। एक्शन तुम पे? हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। किरण, सच्चाई हमारे साथ कितनी ही क्यों ना हो, जब तक हम उसे दूसरों को ठीक से नहीं समझा सके तो दोष उनका नहीं हमारा है। क्यों, ठीक है ना? तो चल, मैं उन्हें समझाता हूँ। मिस्टर गोपी, आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर मैं किरण के खिलाफ एक्शन लिए बगैर नहीं रह सकती। मैडम, इस तस्वीर में आप हमारे चेहरे देख सकती हैं, हमारे दिल नहीं। मैं एक्शन लेने से मना नहीं करता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे रिक्शे पे मत जाइए। मैं गरीब सही लेकिन भले घर का हूं। और मैडम, मैं किरण से बहुत प्यार करता हूं और उससे हर हाल में शादी करूंगा। देखिए साहब, ये देखिए हमारे कॉलेज की इज्जत खाक में मिल गई है। जिस कॉलेज की लड़कियों का नाम गर्व से लिया जाता था, आज उनकी वासना के चर्चे हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं? मदन जी, इसी बात की तो इंक्वायरी चल रही है। बड़ी बात इंक्वायरी, ये फोटो देखने के बाद भी इंक्वायरी की जरूरत है? लेकिन ये दोनों शादी कर रहे हैं। फैंटास्टिक, तो शादी तक बात आ गई है। मैं कहता हूं मैडम, आप बाल बाल बच गई हैं, वरना ये दोनों आपसे कॉलेज के बाहर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की बात करते। मैं कहता हूं कि हम कहां से कहां आ गए हैं, क्या हो गया है हमारे चरित्र को? ये आप चरित्र का बोल रहे हैं? हे भगवान, कहां जाएगी तेरी दुनिया? चरित्र का वो बोल रहे हैं जिनका खुद चरित्र नहीं। क्यों, ठीक है ना? शट अप। जी, मैं पूछता हूं तुमने किससे पूछकर मोहब्बत की? आप बता दीजिए किससे पूछकर करनी चाहिए मोहब्बत? हमसे। हमसे मिस्टर, हमने इसे रोटी दी, कपड़ा दिया, जवानी दी, जिंदगी दी और जबान दी, जिससे ये तुमसे मीठे मीठे बोल बोलती है, वरना ये क्या थी? क्या थी बोलो, एक अनाथ। मिस्टर मदन, प्लीज मुझे अनाथ मनाथ मत कहिए, मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? जी हाँ। साबित कर सकती हो? जी, मैं झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, कोर्ट के सामने अपनी माँ को ले आओ और उन्हीं के सामने फैसला हो जाएगा।
You can both go. किरण, तुमने प्रिंसिपल साहब से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने झूठ नहीं, सच कहा है। मेरी माँ जिंदा है। क्या? तो फिर तुमने अपनी माँ के बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी दुख भरी जीवन कहानी सुनाकर तुम्हें भी दुखी करूं। अरे क्या अब भी हमारे दुख सुख अलग अलग है? गोपी, अरे पगली, अपनों के साथ सुख न सही, दुख जरूर बांटना चाहिए। अच्छा अच्छा ये बता कि तेरी माँ क्या करती है? वो रिक्शा स्टैंड पे खाना बेचती है। अरे कहीं उसका नाम पार्वती तो नहीं? हाँ, तुम जानते हो उसे? अरे मैं ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। चल चल बैठ जा, मैं तुझे अभी मिलाता हूँ। रिक्शा यहाँ क्यों रोक दी? घर जो आ गया। किसका घर? तुम्हारी माँ का। मेरी माँ यहाँ नहीं रहती। अगर तुम्हारी माँ वही है जो हर रोज रिक्शा स्टैंड पे खाना लेके आती है तो वो नहीं रहती। मगर वो यहाँ कैसे आ गई? अभी तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? मैंने कहा ना तुम्हारी माँ यहाँ रहती है। अच्छी बात है, तुम यही ठहरो, मैं माँ से बात करती हूँ। तुम यहीं बैठे रहो, नहीं तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। माँ से बात मैं करता हूँ। ओके अरे गोपी, तू और इस वक्त जरूर कोई मतलब होगा। हाँ माँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद मेरी? हाँ माँ, इस लड़की की इज्जत खतरे में है, उसे बचाना है। इतनी बड़ी पत्थर की नगरी में एक तेरा ही दिल है गोपी, जो हर किसी के दुख तकलीफ में मोम की तरह पिघल जाता है। क्या करूं माँ, भगवान ने दिल ऐसा बनाया। और फिर ये मामला तो एक मजबूर और बेसहारा लड़की का। आखिर बात क्या है, तू पहेलियां क्यों बुझा रहा है? माँ बोल। माँ वो जिस आदमी के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ, मेरा मतलब उसके साथ घूमती फिरती है, क्या ये बात है माँ? अगर दोनों का दिल साफ है तो इनके मिलने जुलने को कोई पाप नहीं कह सकता, समझे? कुछ लोग माँ से बात का पता कर बना के उसे कॉलेज से बाहर निकलवाना चाहते हैं। अगर यही बात है तो तुझे उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ माँ। अरे पगले, मैं भला क्या कर सकती हूँ? अरे करना वरना कुछ नहीं है माँ, तुम्हें सिर्फ जाके इतना कहना है कि वो लड़की तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ हो। मेरी बेटी? ये कैसे हो सकता है? किसी दूसरे की बच्ची को मैं अपनी बच्ची कैसे कह सकती हूँ? बच्ची बच्ची हो किसकी हो, बात की बातें। अभी तो हमें उसकी इज्जत बचानी है। हाँ। और वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो। हाँ, हाँ तो फिर चलो ना। वो लड़की कहाँ है? अभी लेके आता हूँ। एकदम बोला है। किरण, कौन सा मुलेदर आई है मेरे पास? मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजार दी, लेकिन अपनी इज्जत पे आज तक नहीं आने दी। और तू, तू अपने आबरू पे धब्बा लगा बैठी। क्या क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? बोल बोल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? गोपी गोपी, इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैंने अपने जीवन में अंधेरे खोल लिए, इसकी खुशी के लिए मैंने अपने आंसू पी लिए। आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि बेटा मैंने तुझे भी नहीं बताया कि मेरी एक बेटी भी है, लेकिन इस कलंक के लिए मुझे कहीं का नजर कब बेटा? भाई जी, आपको क्या हो गया? बेटे देख, आदमी को कहीं भी चोट लगे तो दवा से घाव का निशान मिट सकता है, लेकिन लेकिन एक बार औरत के नाम पर कलंक लग जाए तो वो जीतेगी तो क्या? मरने के बाद भी नहीं मिट सकता, मरने के बाद भी नहीं मिट सकता, मरने के बाद। लेकिन माँ जी, ये आपने कैसे सोच लिया किरण के ऊपर दाग लगा है? कम से कम उसे दोष देने से पहले ये तो सोचा होता कि वो किससे प्यार करती है। कौन है वो? ऐसी बात मत करो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अगर जानना चाहती हो तो सुनो, वो आदमी कोई और नहीं, यही है। क्या तू गोपी?
हाँ तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम दोनों मुझे अपना नहीं समझते? नहीं माँ, हम लोग ने बेटे, न जाने मैं पागलपन में क्या क्या बन गई, मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं माँ। बेटी मैं बहुत खुश हूँ। देख बेटी, गोपी जैसा जीवन साथी तुझे सारी दुनिया में दिया, लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है माँ, और सारी दुनिया के सामने तुम इसे अपनी बेटी मानने को तैयार हो क्या? क्यों नहीं। हाँ तो फिर चलो ना, चलो 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 चलो। कुमारी किरण के बारे में जो रिपोर्ट प्रिंसिपल साहिबा ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने पेश की, उसे सामने रखते हुए हमें यह फैसला करना है कि कुमारी किरण के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, मिस किरण के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए ये जानना जरूरी है कि मिस किरण की वजह से हमारे कॉलेज की शोहरत में काफी इजाफा हुआ है, और फिर उसके करियर का भी सवाल है। आपका मतलब है कि फैसला करते वक्त इस बात को तो ध्यान में रखा जाए और वो बात भूल जाई जाए कि किरण हर अरे गैरे नथु खैरे के साथ आवारागर्दी करती रही है। मिस्टर मदन, आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने जो कहा उसे हमें भी सोचा चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर हाँ, वो अपनी माँ को लाने वाली थी, वो तो आ गई होंगी। मेरी राय है कि पहले कुमारी किरण को बुलाया जाए। यस। मिस किरण, तुम अकेली आई हो कि तुम्हारी माँ भी साथ आई है? जी जी, मेरी माँ भी आई है मेरे साथ। क्या आपकी माता जी बोर्ड के सामने गवाही देने के लिए राजी हैं? जी हाँ। उन्हें अंदर बुला लीजिए। माफ कीजिएगा, ये पत्थर की मूर्ति की तरह से खामोश क्यों खड़ी है? गूंगी तो नहीं है ये? बोल तो सकती है ना? बोलिए देवी जी। बोलो माँ, बोलो। क्या बोलूं? क्या किरण की शादी गोपी के साथ होने वाली है? जी हाँ, किरण की शादी गोपी से ही होने वाली है। बोर्ड को इससे कुछ मतलब नहीं है कि किसकी शादी किससे होने वाली है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसके लिए मैं ही सब कुछ हूं। मनोहर, जरा मेरी पान की डिबिया लाना। कहा तुम इस लड़की के लिए सब कुछ हो? जी हाँ। यानी तुम इसके लिए बाप भी हो और माँ भी। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, तुम इसकी माँ हो ना? लेकिन मुझे वचन दो भाभी, इस अभागिन बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पालोगे? नहीं तो वो इसको भी मार डालेंगे, क्योंकि मेरे पाप की निशानी समझते हैं। मुझे वचन दो। आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। खामोश क्यों हो, जवाब दो। तुम इस लड़की की माँ हो या नहीं? बोलो माँ, बोलो। तो बोलते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तुमने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, पोसा है। तुम इन लोगों से बोलते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? बोलो माँ, बोलो, बोलो। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आपकी बच्ची ने तो अपने आप को अनाथ बताया था। खैर छोड़िए इस बात को, ये बताइए आपके पति का नाम क्या है, मतलब इस बच्ची के बाप का? उस पापी का नाम मत पूछिए, वो पापी है, पापी है। लेकिन तुम्हारी माँ को तो अपने पति का नाम मालूम होगा ना? मालूम है या है ही नहीं? देखिए, आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। मैं अपने पति का नाम नहीं जानती, मेरे पति है या नहीं ये पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं, समझे? आपको कोई अधिकार नहीं। माँ, माँ,
मिस किरण, इतनी से उम्र में इतना बड़ा झूठ बोलते मैंने आप ही को देखा है, और जब आज आपका झूठ खुल गया है तो आपको कॉलेज का वो सारा खर्चा भरना पड़ेगा जो कॉलेज ने आप पर किया है। मदन, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, तो सारा खर्च मेरी तरफ से कॉलेज को भेज दिया जाए। कुमारी किरण को कॉलेज में रखना या न रखना आप लोग सोच समझ कर जो फैसला करेंगे मेरे लिए। प्रिंसिपल साहबा, मेरा तो कहना यह है कि इनको फौरन कॉलेज से निकाल देना चाहिए। नीच कमीनी, बोल कहाँ है वो तेरे पाप की गठरी? आज मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा, बोल। जेल में चक्कियां पीसता रहा और तू ऐश करती रही, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूं। खोल खोल, कौन तक की जाएगी? आना चाहे तो मैं उन्हें रोक नहीं सकती। मगर क्यों, कौन है वो? वो मेरे सुहाग के मालिक, मेरे पति। क्या वो तुम्हारा पति है? हाँ बेटे। लेकिन वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या बताऊं बेटे, उन्हें मुझ पर शक है। उनका ख्याल है जब वो जेल में थे तब किरण पैदा हुई थी, वो किरण को मेरी बच्ची समझते हैं। तो क्या किरण तुम्हारी बेटी नहीं है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, अगर किरण तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? जज कैलाश की। क्या जज कैलाश? क्या किरण जज कैलाश की बेटी है? यस बॉस, मैंने पार्वती को यह बात खुद गोपी से कहते हुए सुना है। मिस्टर माधवन, मेरा ख्याल है ये किरण वही छोकरी है जिसकी मदर को 15-16 बरस पहले तुमने हमको शूट करने को बोला। राइट, आई मीन टू से कैलाश का फर्स्ट वाइफ का मर्डर खून। हाँ, शूट तुमने किया था मगर हमने इल्जाम कैलाश पर लगाया था। वंडरफुल। ऐसा क्यों बॉस?
इसलिए कि कैलाश जो आज एक बहुत बड़ा जज है, उन दिनों एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर था और साथ ही एक खानदानी रईस भी। जिन दो चीजों की जरूरत मुझे थी वो दोनों कैलाश में थी। मैंने उसे हमेशा के लिए अपने चंगुल में फंसाने का जाल बिछाया था। मैं अपनी बहन की शादी कैलाश से करके उसे अपना रिश्तेदार बनाना चाहता था, लेकिन शांति जिससे कैलाश की लव मैरिज हुई थी वो मेरे रास्ते का पत्थर थी। लेकिन मैंने एक तरकीब सोची। शांति का भाई मनोहर जो एक आदि मुजरिम था, जो उन दिनों जेल से भाग कर आया हुआ था और कैलाश ने जिसे अभी तक देखा भी नहीं था, मैंने शांति और मनोहर दोनों को एक जगह मिलने का इंतजाम किया और कैलाश को शांति के खिलाफ भड़काकर मैं उस जगह ले गया। ये लो, और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। नीच बच्चलन, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल हो गए हो? अरे मैं कहता हूँ पागल हो गए हो क्या? नीच बच्चलन औरत के लिए सारे शहर में अपनी बदनामी करवाओगे? छोड़ दो मुझे। जो कुछ कहना है और करना है घर चल के। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। हाँ मेरे साथ चलो। और शांति मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तक मैं हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ लेता ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिया नहीं। जाओ भैया जाओ, अगर कोई आ गया तो क्या होगा, जाओ। अच्छा बहन जाता हूँ। कहाँ गई थी? दबान क्यों बंद हो गई? बोलती क्यों नहीं? इतने रात गए तक कहाँ गई थी? कौन था वो आदमी जिसके साथ मुंह काला करते वक्त तुझे इस घर का और उस घर की मान मर्यादा का ख्याल तक नहीं रहा? ये आप कह रहे हैं? बच्चलन औरत, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ना जाने तू कब से ये बात तक खेल खेल रही है। आखिर इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी थी जो ये करने पर तुम मजबूर हुई? मदन भैया आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बोलती क्यों नहीं? कौन था? भाई था। भाई था? मैंने तो कभी नहीं देखा उसे। और आप उसे देख भी कैसे सकते थे? वो तो उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा है। यकीन मानिए वो मेरे मन और भैया के सिवा और कोई नहीं था। शर्म नहीं आती उसे भाई कहते हुए? भगवान जानता है कि मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। बकवास बंद करो, तुमने मेरे साथ प्यार की झूठी कसमें खाई थी। मैं आपको इस बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। किसका बच्चा? अब तो मुझे इस पर भी शक होता है। ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, जाओ और ले जाओ इस बात की निशानी को। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी डोली आई थी, अब यहाँ से अच्छी निकलेगी। ठीक है, इस घर से एक नहीं दो अच्छी निकलेंगी, एक मेरी और एक तुम्हारी। पागल हो गए आप? छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, आपका कभी करने दूंगा। छोड़ दो, आप चलिए मेरे साथ। आइए ना कदम, आप बिल्कुल अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आप जाइए, आप जाइए। कैलाश शांति को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझा बुझा कर कमरे में बंद किया। और अब शांति जो मेरा असली निशाना थी, ये समझा कर के एक रात के लिए वो अपने भाई के यहाँ चली जाए, घर से निकाल दी। और अपने प्लान के मुताबिक जो मैंने कैलाश के हाथ से पिस्तौल छीना था उसे माइकल को दिया, और माइकल ने मेरे इशारे पर शांति को गोली मारी। और फिर उस पिस्तौल को कैलाश के नौकर को दिया और उसे एक ऐसा नाटक करने को कहा जो झूठ को सच में बदल दे। वकील साहब, कराया आपका काम, शांति देवी को मार दिया। शांति देवी को मार दिया? ये रहा आपका पिस्तौल। मेरा पिस्तौल? हाँ, आप ही ने तो कहा था उस बच्चलन औरत को मारने के लिए। मैंने कब कहा था? नमक हराम कमीने, मैंने कब कहा था शांति को मारने के लिए? मैंने को मार दिया, मगर क्यों? साहब, वकील साहब ने अपना पिस्तौल देकर शांति देवी को मारने के लिए कहा, मैंने मार दिया। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। क्या गजब किया तुमने, शांति को मरवा दिया? कानून के आदमी होके क्या पागल हो गए तुम? मदन, मैंने इसे नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जरूर कोई राज है। मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, मैं इसे फांसी चढ़वा दूंगा। ठहर जाओ, फांसी तुम चढ़ जाओगे। मुझे कैसे? बच्चों की बातें ना करो कैलाश बाबू, ये पिस्तौल तुम्हारी है, इस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। तुम्हें आज ही पता चला कि तुम्हारी बीवी बच्चलन है, आज ही तुमने उसे मार डालने की धमकी दी और गोली भी इसी पिस्तौल से चली है। अब तुम बताओ, फांसी तुम्हें होगी या इसे होगी? मदन, फिक्र न करो कैलाश बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे देखो, लाश को ठिकाने लगा दो।
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आप बच्ची तो बच गई। कहाँ है वो? जब मैंने शांति देवी को मारा एक औरत आई बच्ची को ले गई। अरे पूरी कहानी मत सुनाओ, जो मैंने कहा जाकर वही करो, जाओ। तुमने गजब कर दिया यार, अगर उसका खून करवाना था तो मुझसे कहा होता, मैं कर देता। मदन मैंने से कुछ नहीं कहा, मैंने से कुछ नहीं कहा मदन। मैंने अच्छा 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 बाबा, छोड़ो इन बहानों को, अब इसी बहाने हम दोनों हमराज तो बन गए, और अगर तुम चाहो तो रिश्तेदार भी बन सकते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे अपनी बहन के हाथ पीले करने हैं, और फिर तुम जैसा पति उसे कहां मिलेगा, और फिर रिश्ता हो जाने के बाद मेरी जबान भी बंद हो जाएगी। जो मैं चाहता था वो कर सका। मनोहर की बहन को माइकल के हाथों मरवाकर मनोहर को पार्वती के खिलाफ भड़काया, और कैलाश अपनी पत्नी का कातिल होने के खौफ से मेरे रिश्तेदारों पर नाचने लगा। मैंने वक्त का फायदा उठाते हुए अपनी बहन की शादी उससे कर दी। आपकी बहन? कौन सी बहन बॉस? वो शादी के चंद दिनों बाद ही एक मोटरकार एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन उसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैलाश शांति का कातिल है, ये बात मैं उसे हमेशा याद दिलाता रहा, लेकिन किरण की खबर सुनाकर तुमने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। अगर किरण हमारे कब्जे में आ गई तो चंदर के केस में कैलाश को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। कैलाश, तुझे मेरे कदमों में झुकना ही पड़ेगा अपनी बेटी किरण की खातिर। मेरी बेटी? क्या ये सच है? हाँ जज साहब, ये सच है, किरण आपकी बेटी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक देवता समान आदमी राक्षस भी बन सकता है। गोपी, हाँ जज साहब, आप तो ठाट से महलों में रहते हैं, और आपकी बेटी अनाथों की तरह दर बदर ठोकरें खाती फिरती है। आप कैसे बाप हैं जज साहब, आप कैसे बाप हैं? आपके सीने में दिल है ये पत्थर कि आपकी गलतियों की सजा आपकी मासूम बेटी भुगत रही है। बस करो गोपी, बस करो, मैं तो पहले ही पछतावे की आग में झुलस रहा। आपको झुलसना ही होगा जज साहब, आपके लिए मेरे दिल में बड़ा प्यार था, बड़ी इज्जत थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके हाथ आपकी बीवी के खून में भी लगे हुए। ये सब झूठ है। ये सच है गोपी, ये सच है, शांति का खून जैसा हमने नहीं किया। लेकिन मां, तूने तो कहा था कि शांति देवी। हाँ, हाँ, मैंने कहा था, मुझे अभी अभी मेरे पति ने बताया, शांति का खून जैसा हमने नहीं किया, बल्कि मदन ने अपने आदमी से करवाया। जैसा निर्दोष है, इल्जाम इनसे लगाया गया। मदन, आई एम सॉरी मिस्टर कैलाश, मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। मैं जानता था आप यही कहेंगे, लेकिन सर, इंसान कभी कभी सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। मेरा इस्तीफा मंजूर करने में मेरी मदद कीजिए। मगर क्यों? कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी भी हो जाती हैं जो इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देती। अगर कानून आप जैसे काबिल जजों को लूज करता रहा तो अंजाम क्या होगा? अंजाम सोचकर ही मैंने इस्तीफा दिया है। कुछ अरसे पहले जब मैं वकील था, अपनी काबिलियत से मैंने खूनी को फांसी के तख्ते से बचा लिया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो खूनी समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और अब हालात ने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां समाज के उस दुश्मन को मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचा देना अपना फर्ज समझता। और सर, ये काम मैं एक जज की हैसियत से नहीं कर सकता, बल्कि वकील बनकर ही कर सकता हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी मदद कीजिए। मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं अब जज नहीं हूं, मैंने रिजाइन कर दिया। रियली? दैट इज अ वंडरफुल न्यूज सर, इट इज अ वंडरफुल न्यूज इंडीड। धनुष साहब, अब तो आप मेरा केस लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा तो जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि अब मैं तुम्हारा असली रूप दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या हो। बहनोई जी, आप तो कविता कहने लगे। अच्छा साहब, हम जो हैं सो हैं, मगर आप भी गिरगिट की तरह से खूब रंग बदलते हैं। मदन, तुमने चंद्र का खून किया, लेकिन मैंने तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरी पत्नी का खून किया, मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया,
उसको बदनाम और रुस्वा करके कॉलेज और हॉस्टल से निकालने की कोशिश की। नहीं नहीं मदन, अब मैं तुमसे तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लूंगा। मैं तुम्हें फांसी के तख्त तक पहुंचाकर दम दूंगा। ओह माय गॉड, जब घर के भेदी ही लंका ढाने लगे तो उस बेचारे रावण का क्या होगा? अरे ये क्या बकरी थी भाई, अरे रोशनी करो, सब मर गए कहीं हमें, अरे लाइट तो जलाओ, लाइट लाइट। क्या हुआ मदन साहब, बत्ती किसने बुझाई थी? मुझे लगता है जज साहब को डाकू उठाकर ले गए। तुम उस तरफ जाके देखो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आइए आइए जज साहब। ओ माफ कीजिएगा योर ऑनर, हमारे यहाँ मेहमानों को वेलकम करने का तरीका आपकी अदालत से कुछ जरा अलग है। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है जज साहब? ओ आई एम सॉरी, आप तो तुम जज नहीं रहे। शट अप, मतलब की बात कहो। मतलब की बात तो वही है, हाई कोर्ट में तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं आखिरी बार कह चुका हूँ। फिर सोच लो कैलाश, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से प्यार है। अपनी बेटी से भी ज्यादा? बेटी, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है और तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। मैं किसी भी कीमत पर कानून को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें मैं फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें उस दिन के लिए जिंदा छोड़ दूंगा? लेकिन मारने से पहले तुम पर एक एहसान जरूर करूंगा। मुरली, किरण बेटी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा रात कल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या महीने? बॉस, वो बिहारी सेठ तो बोगस निकला, उसका चेक वापस आ गया और उसके बैंक में कुछ है ही नहीं। ऐसी बात है तो मुरली से कहो उसे ठिकाने लगा दे। घबराने की कोई बात नहीं बॉस, इनसे मिलिए, ठाकुर रंजीत सिंह ऑफ होनोलुलु। हेलो हेलो, करोड़पति आदमी है और खास बात तो ये है बॉस, ये चेक में नहीं कैश में यकीन करते हैं, कैश में। किरण के नए खरीदारों में से हैं और ये दोनों बैग नोटों से भरे हुए हैं। Really? 5 लाख इसमें और 5 इसमें। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। बॉस, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपनी आंखों से देख लीजिए। Wonderful, done, oh yes, done, done and done. Sir ji, Kiran, आपकी हो गई। You bastard! I'll kill you! Beautiful, beautiful. अब तो हम तुम्हें बहुत चलने जाएंगे। Come darling. अरे, सच्चों का बोल बाला होगा, झूठों का मुंह काला होगा, जब साथ में रिक्शा वाला होगा तो जेल में मदन साला होगा। क्यों? ठीक है ना? Come darling. देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे एक दिन, क्यों? ठीक है ना? बेवकूफ इंसान, तू अपने आप को समाज का बहुत बड़ा ठेकेदार समझता था, इसलिए मेरी मदद नहीं की। लेकिन आज कितना मुबारक दिन है कि एक बाप के सामने उसकी बेटी का सौदा हो रहा है। ये क्या कर रही हो किरण, होश में तो हो? मिस्टर मदन, ये बुढ़ा कौन है जो हमारे रंग में भंग डाल रहा है? ये बुढ़ा किरण का बाप है। बाप है? वेरी लकी। इट्स ऑल राइट। मिस्टर बाप, हमें तुम्हारी प्रेटी प्रेटी लड़की बहुत पसंद आई। किरण डार्लिंग, अपने बाप को शराब पिलाओ। लेट्स सेलिब्रेट, गिव अ ड्रिंक, गिव अ ड्रिंक। मैं गजब की चीज हूँ,
कीदड़ के बच्चे शेर के मुंह में हाथ देने चला था हैं? मुरली तुम किरण को लेकर जाओ क्यों ठीक है ना क्यों मनोहर तो ये सब तेरा किया हुआ है कुत्ते नमक हराम मैं तो सिर्फ नमक हराम हूं मदन लेकिन तू तू एक भेड़िया है शैतान है खूनी है तूने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बहन को मौत के घाट उतारा मेरी बीवी की पवित्रता को बदनाम किया उसे दर दर की ठोकरें खिलाई और मुझे कहीं का नहीं रखा और आज तू मुझे नमक हराम कह रहा है मदन तुझे याद होगा एक दिन मैंने उस अनाथ बच्चे की कसम खाई थी कि मैं तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर रहूंगा आज वो दिन आ गया तूने जो कुछ किया है उसे इंसान तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकता पापी को पाप की सजा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इन सबको मेरे सौभाग्य भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली कैलाश बाबू ये रही आपकी बेटी किरण लीजिए पार्वती मैं तुम्हारा किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं गोपी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर तुम किरण का हाथ ठहरिए जैसा ये काम मेरा है क्योंकि मैं लड़की का मामा हूं गो भगवान का दिया सब कुछ तुम्हारे पास है रिक्शा चलाना छोड़ नहीं जैसा रिक्शा चलाना मेरा धर्म आदमी को मेहनत मजदूरी करके ही रोटी खानी चाहिए ये दोस्तों ठीक है ना ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक